अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? हाँ, सांस ले रही हूँ, भाग के आई हूँ, चप्पल पहन के ऐसे भाग के आई हूँ। मैं कभी सोच रही हूँ अपनी टीम से बोलूँगी कि जिस तरह मैं शो पे आ रही होती हूँ ना, वो खियास, वो जिस तरह हंगामा आराई हो रही होती है और जिस तरह मैं भागम दौड़ी कर रही होती हूँ, कोई और ही निदा होती हूँ। सो वो कभी शूट करके आपको दिखाना चाहिए। फिर सुबह सुबह टाइम पर पहुँचना, ओहो, ये पिछले मैं कितने सालों से कर रही हूँ इस तरह टाइम पर पहुँचना। और फिर भी कभी कभार एक आध मिनट, अभी आज कितने मिनट लेट हूँ? 3 मिनट, 9:03 हो रहे हैं अभी, आप आई डोंट नो, हमारी घड़ियों में तो यही हो रहे हैं। सो कभी कभार ऐसा होता है कि टाइम पे पहुंचना जो है ना, वो कुछ लोगों की आदत होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आध मिनट लेट हो जाती हूँ, मगर बहुत सारे लोगों को इससे बड़ा नुकसान भी होता है। वो बेचारे, उनके इतने पंक्चुअल होते हैं बचपन से, वो आदत उनके पेरेंट्स ने उन पर डिवेलप कराई होती है। और अब जैसे शूटिंग पे जल्दी पहुंच जाते, कोई और नहीं पहुंचा होता, शादी में जल्दी पहुंच जाते, हालांकि ये अच्छी आदत है, लेकिन कभी कभार वो बड़े पछताते हैं। जो बचपन की आदत हैं वो आपके पेरेंट्स की वजह से आपके अंदर आती हैं। आपके घर का अगर माहौल ऐसा होता है तो वही चीज़ें पिक करते हैं। अगर बचपन की आदत की बात करूँ तो आदत या यादों की बात करूं तो कभी कभार ऐसा होता था कि हमें इंतज़ार होता था, ख़ासतौर पर दोपहर के वक्त, टन टन टन। हाँ, या तो कुल्फ़ी वाला होता था या वो कोई मीठी गोलियां, और एक वो भी होता था वो जो कबूतर बना के, नहीं नहीं वो जो नहीं रबड़ रबड़ की चोंच बना के, मीठा सा मल्टी कलर और वाइट कलर का, नहीं होता था क्या कहते हैं उसे, मुझे नहीं पता, वो चोंचे बना के और वो डंडी पे लपेट के देता था, वो खींचने वाली कोई, मुझे अच्छे से याद है, कोई वो टॉफ़ी होती थी। हाँ कभी बटरफ्लाई बनाता था, कभी चिड़िया बनाता था। सो गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे वाला लाया, कुल्फ़ी वाला, भुट्टे वाला। फिर कभी मुझे अच्छे से याद है कि जो है मुझे सहेली नहीं बुलाती थी, मैं अक्सर सहेलियों को जाके बुलाती थी, नौशीन, आमरी। मुझे याद है वो दिन। सो वो बालकनी से देख के उनको पता चल जाता था कि अब सायरन बज चुका है, चलाओ नीचे खेलने आओ। हम पिट्टू बारी खेलते थे, हम बहुत सारे और गेम्स खेलते थे, पकड़म पकड़ाई, बर्फ़ पानी और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, हर जेनरेशन, हर घर में अलग तरीके की वो कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट होती है। कुछ लोग वॉक पे चले जाते हैं, कुछ लोग पार्क चले जाते हैं, कुछ लोग झूलों पे जाते हैं। उसी तरह मतलब लाइक देखा जाए, अगर एक चीज़ कॉमन होती है हर किसी में, किसी के अब्बू बाइक पर आते हैं, किसी के अब्बू गाड़ी पे आते हैं, किसी के अब्बू बस में आते हैं, किसी के अब्बू टैक्सी में, रक्शे में आते हैं, लेकिन जब भी अब्बू आते हैं, जिस भी घराने से उनका ताल्लुक हो, किसी भी क्लास से, किसी भी स्टेटस हो, कोई भी स्टेटस हो, लेकिन वो बच्चे जो गेट की तरफ भागते हैं ना अब्बू कहते हुए, वो हर घर में होता है। और वो एक खुशी का लम्हा, और वो एक एक्सपेक्टेशन कि अब्बू कुछ लाए हैं। अक्सर घरों के अब्बू जो है ना, कुछ लाते हैं, या तो फ्रूट ले आते हैं आते वक्त, या बच्चों के लिए चिप्स ले आते हैं, या बच्चों के लिए जूस ले आते हैं। सो एक एक्सपेक्टेशन बच्चों को होती है कि जब अब्बा घर आएगा तो कोई एक्साइटमेंट आएगी, कोई सरप्राइज आएगा। और सारी ज़िंदगी, ख़ासतौर पर हम लड़कियाँ, अब्बा के घर आने का इंतज़ार करती हैं, और फिर एक दिन हमें उसी घर को छोड़ के जाना पड़ता है। और चाहे आप, कोई भी आपकी उम्र हो, आप टीनेजर हों, आप बच्चों की माँ हों, आप जवान बच्चों की माँ हों, लेकिन अगर आपके बाप का साया आपके सर पर होता है ना, वो रिश्ता, वो नज़ाकत, वो ख्याल, वो प्यार बरकरार रहता है। ये बाप और बेटी का इतना कोई खूबसूरत रिश्ता है। अभी मैं शो पे आने से पहले देख रही थी, एक छोटी सी बच्ची है, वो दिखा रहे थे कि जब ये बच्ची माँ के पास होती तो क्या होता है, जब ये बच्ची बाप के पास होती तो क्या होता है। जब वो माँ के पास होती तो वो इधर सोफे से कूद रही है, उधर सोफे से कूद रही है, बवाल मचाया हुआ है, और जब वो बाप के पास होती तो वो एक सुकून में होती, कभी उसके पेट पर लेटी हुई है, कभी उसके कंधे पर सर रखा हुआ है। सो वो, मैंने कहा ये कितना रिलेटेबल है कि आपका रिश्ता माँ से अलग होता है, आपका रिश्ता बाप से अलग होता है, और एक ठहराव होता है बाप और बेटी के रिश्ते में बड़ा। आप नोट करें, अक्सर आपने अपनी अम्मी को कहते हुए सुना होगा, आप तो ना मेरी तारीफ़ करते हैं, मतलब अपने हस्बैंड को, आपके अब्बू को कह रही होती है, आप ना मेरी तारीफ़ करते हैं, आपको तो पता भी नहीं चलता मैंने क्या रंग के कपड़े पहने हैं, मैंने बाल कट करा लिया, आपने देखा तक नहीं।
यही चीज अगर बेटी करती है तो सबसे पहले जो नोटिस करने वाला शख्स होता है वो उसका बाप होता है, वही बाप जो इर्द गिर्द के किसी भी चीज से उसको इतना फर्क नहीं पड़ता और नोटिस नहीं करता, लेकिन जब बेटी में कोई चेंज आता है या बेटी परेशान होती है, बेटी के चेहरे पे 12 बजे होते, तो सबसे पहले उसका बाप ही जांच पड़ताल करता है। बेटी जो कहती है, फरमाइश वो उसकी पूरी की जाती है। अक्सर घरों में तो अम्माएं बेटी को कहती है, सुनो डैडी को कहो ना चलें बाहर, अब्बू को कहो ना चलें खाना खाने चलें फलां जगह चलें। बेटी की ख्वाहिशात फरमाइश ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बाप रद्द करे। इसी तरह हमने सोचा कि हम हमेशा अम्मा 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 कर रहे होते हैं, अम्मी 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 कर रहे होते हैं और वो रिलेशन है भी इतना प्यारा, लेकिन लेकिन आज हमने सोचा कि हम क्यों ना बाप और बेटी के रिश्ते को डिस्कस करें, क्योंकि ये इतना रिलेटेबल होगा। बाप इतना इजहार नहीं करते अपने एक्सप्रेशंस का, ना वो अपने आंसुओं के ज़रिए ना वो अपनी बातों के ज़रिए, मगर कोई ना कोई जेस्चर ऐसा दे देते हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है कि वो अपनी बेटियों को देखकर जीते हैं, उनकी खुशी में खुश होते हैं। और आज यहाँ वो बच्चियाँ जिनको बाप अपने हाथ से विदा कर चुके हैं, यानी उनको ससुराल भेज चुके हैं, आज उनसे मिलकर पूछते हैं कि कैसा गुजारा, कैसा रिश्ता उन्होंने एक दूसरे के साथ पाया, क्या क्या चीज़ें हैं जो लर्न की हैं एक दूसरे से। आज हमारे साथ सेलिब्रिटी होंगे अपनी बेटियों के साथ और सेलिब्रिटी होंगी अपने फादर के साथ, तो देखिए कितना रिलेटेबल, कितना मज़ेदार और थोड़ा सा इमोशनल प्रोग्राम। जब माँ बाप और बच्चे का रिश्ता आता है तो इमोशंस तो आई डोंट नो अल्लाह की तरफ से कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आइए डूब जाएं इस इमोशनल दरिया में। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिनको आपने बहुत कम हमारे शो पे देखा होगा, और आज वो अपनी बेटियों के साथ हैं। वो बेटियाँ जिनको वो विदा कर चुके हैं, वो कहते हैं ना कि अब्बा का घर छोड़ के वो जा चुकी हैं, लेकिन वो जो बेटी और बाप का रिलेशन है वो हम बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू करने वाले हैं इस वक्त। मैं इस वक्त जिस सेलिब्रिटी को बुला रही हूँ उनको आपने हमेशा ऐसे देखा है कि आपकी टेंशन्स आपके डिप्रेशन्स को उन्होंने दूर किया है अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपने स्क्रिप्ट से, अपने खाकों से। अगर आप फ्लैशबैक में जाएं तो मैं आपको याद दिलाती चलूं, 50-50 से आपने शोहरत हासिल की, उसके अलावा आपने इनको मुनफरिद किरदारों के अंदर देखा है, ड्रामों में, फिल्म्स में, थिएटर्स में। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जो आपके जहन में इनके ड्रामे होंगे वो है डुगडुगी, घराना फसाना, ख़ानदान, गुरूर, दिल नवाज़, जंजाल पूरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस वक्त वो एज बाप मेरे पास यहाँ मौजूद हैं अपनी बेटी इरमा के साथ। आइए वेलकम करते हैं अशरफ खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, कैसी है इरमा? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज आइए बैठिए, प्लीज आइए। मैंने कहा कि ये वाली बात पूछना ज़रूरी है कि जैसे पूरे पाकिस्तान का डिप्रेशन दूर करते हैं आपके अब्बा, छोटी छोटी बातों पे जो है एकदम लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आते हैं, सो क्या घर में भी इनकी यही पर्सनालिटी है कि बिल्कुल ऐसे ही हंसी मजाक हर वक्त, हाँ छोटी छोटी बातों पे? हाँ जी ऐसे ही है। हम हमेशा। कितने बहन भाई आप लोग? हम चार, माशाल्लाह चार। और इरमा का नंबर कहाँ? फर्स्ट, सबसे बड़ी बेटी। ओए होए, वो लाडली वाली होती ना, पहलो पहलूटी की औलाद। इसके बाद भी बेटी है। अच्छा, अंजा। और फिर बेटा है अब्दुल अहद। अंजा नाराज ना हो जाए ना, मैंने कह दिया लाडली। मैंने उसका नाम इसीलिए फटाफट ले लिया कि वो कहेगी कि अच्छा मेरा जिक्र नहीं हो रहा वहाँ। फिर बेटा है अब्दुल अहद, फिर छोटा बेटा है मोहम्मद हारिस। माशाल्लाह। सो क्या करते हैं सारे बच्चे? जी ये तो इन्होंने तो माशाल्लाह टेक्सटाइल डिजाइनिंग में और फैशन डिजाइनिंग में मास्टर्स किया। जबरदस्त। आधा इंग्लैंड से किया, आधा यहाँ से किया। आधा आधा क्यों? आधा गए थे हम कुछ अरसा वहाँ। अच्छा, तो फिर दो सेमेस्टर वहाँ से किए, फिर आके यहाँ से किया। अच्छा अच्छा। बेटे ने MBA किया। हाँ। लड़की ने भी MBA किया छोटी, जो हमारी
और ये जो था वो दो सेमेस्टर करके एमबीए के बीबीए में था छोटा, तो उसने कहा कि नहीं मैंने चकाचौंध दुनिया में जाना है आपकी उसमें। मैंने कहा चलो भाई, तो वो शोबिज में है। प्रिंसिपल साहब से बात की, उन्होंने कहा जी मैं स्विच कर देता हूँ इसको, हालांकि होता नहीं ऐसा। फिर वो मैस कम्युनिकेशन में उसने किया। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। सो अब ये बच्चों में जो माशाल्लाह वेल एजुकेटेड हैं आपके बच्चे, ये पढ़ाई की आदत, ये डिसिप्लिन आपकी तरफ से डाला गया या आपकी बेगम की तरफ? ये दोनों की तरफ से। अच्छा, कौन प्रिंसिपल है घर का, कौन सख्त है पढ़ाई शढ़ाई में? मेरी मदर थी। आपकी अम्मी? हाँ जी। तो वो लाइक उनकी सख्ती और उनका डिसिप्लिन वो ही करवाती थी, पढ़ाती थी। हाँ। सारा कुछ मतलब सारा वही करती थी। पापा तो शूट्स पे होते थे। तो कितना अरसा हुआ जो वो नहीं रही? वन ईयर हो गया अभी, एक साल हुआ है। ओए 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 ओए, कितना चेंज आया अब्बू में, अम्मी से लाइक अम्मी के साथ और अम्मी के बाद अब्बू की पर्सनैलिटी में क्या चेंज है? और केयरिंग हो गए। और केयरिंग हो गए जी, दोनों बन गए ना, अब्बा भी अम्मा भी। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसा रिलेशन था अब्बा अब्बा से हमेशा से? बहुत अच्छा। बहुत फ्रेंडली? फ्रेंडली या डरने वाला? खौफ? नहीं नहीं, खौफ वाला नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली। सब बहन भाइयों के साथ बहुत मतलब वो एक जो होता है ना कि हर बात हम शेयर करते हैं। हम दोनों अपने पेरेंट्स के साथ, मदर के भी करते थे, फादर के भी। हमारा वो नहीं है कि डर वाला हो या वो रिस्पेक्ट वाला है। कि रिस्पेक्ट है लेकिन हर बात हम शेयर। अच्छा देखो, जैसे हमारा हमारी फील्ड है उसमें 9 to 5 जॉब तो है नहीं, आपके टाइम का कुछ पता नहीं होता। सो क्या वो टाइम तुम्हें जो बचपन में चाहिए था एक बाप से, वो ये दे पाए हैं? काम की वजह से मुश्किल तो नहीं हुई इनको? काम के बाद का जो सारा टाइम होता था वो बच्चों पे ही, घर पे फैमिली पे देते थे। अच्छा। और हर मतलब कहीं भी होते थे ना, दुनिया में कहीं भी गए हुए हैं तो वहाँ पे कॉल्स आती थी हर बच्चे को अलग अलग। अभी तक अभी तक ऐसे ही है कि आप कहाँ पे हो, ये कहाँ पे, वो वाला कहाँ पे, खाना खाया है, क्या किया है। मतलब वो अभी तक इस तरह ही है। मतलब कि ये वो वाले बाप है जिनमें मामता भी है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। सो मतलब होता है ना कि हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। तो अगर मैं इरमा इरमा ना इरमा की बात पूछती हूँ, तो आपको क्या लगता है इरमा की बेस्ट क्वालिटी क्या है एज बाप? आपने क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? ये बड़ी समझदार किस्म की लड़की है। अच्छा। और ये फर्ज शनास भी है। हाँ। अपने काम जो है वो बहुत फोकस करती है। अच्छा। ये इसकी खूबी है। हाँ। और इस पे कभी शिकायत नहीं हुई हमें। हाँ। बचपन से लेके अब तक। और बस ये ज्यादा तारीफ करूंगा तो वो फिर वो हो जाएगी, वो चढ़ जाएंगे ना बच्चे। आपकी जो आदत है वो सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है इन चारों बच्चों में से किस में सबसे ज्यादा है? चारों में ही है। अच्छा। कभी लेकिन होता है ना कि कोई आपका अक्स लगता हो आपको, यार ये तो हर चीज ही मेरी जैसी करता है या करती है। वो मेरा बेटा अब्दुल अहद है। अच्छा। सबसे छोटे वाले जो? नहीं, वो जो थर्ड नंबर, इन दोनों बहनों से जो छोटा है। ओके। वो करता है सारा, वही उसका वो कमांडिंग पोजीशन, ये वो परफेक्शन मांगता है। मेरा स्टार जो है वो कैप्रिकॉर्न है, 1 जनवरी। मैं अगर किसी के घर में जाता हूँ तो तस्वीर अगर टेढ़ी है फ्रेम तो मेरे लिए चाय पीना मुश्किल हो जाता है। जब तक मैं आंख बचा के उठ के जाके उसको सीधी ना करके आके फिर वहीं बैठ जाऊं तब तक सुकून नहीं आता। ये अब्दुल अहद में ये सारी चीजें। सेंस ऑफ ह्यूमर किसका अच्छा है चारों बच्चों में? सारे माशाल्लाह, सारे जॉली है। इरमा भी? मैं बहुत मस्ती मजाक एकदम एक्सट्रम्पोर निकलता है मुझे जी, बहुत ज्यादा। हाँ। इरमा की शादी को कितना अरसा? मेरी शादी को 6-7 ईयर्स हो गए। अच्छा माशाल्लाह। और आपकी बेबी है? अभी नहीं। अच्छा अभी नहीं। तो क्या अपनी पसंद से शादी की थी या अब्बा अम्मा की पसंद? अरेंज मैरिज। सो वो क्या होता है जब ये एक सिलसिला शुरू होता है? आप ही मैरिड हो घर में अभी? अच्छा, जो छोटी वाली भी शादी। सो एक सिलसिला होता है और ये हर फादर को बेयर करना पड़ता है कि जितना मोहब्बत से पालो, जितना नाज नखरों से पालो, फिर बेटी को खुद अपने हाथ से जी विदा करना। सो वो वाली जो होता है ना कि अक्सर तो अम्मियाँ ही देखती हैं बच्चों के रिश्ते और इस तरह की। आपकी माशाल्लाह, आप तो जाहिर है मैरिड हैं, लेकिन आपकी क्या एक आपका आइडियल क्या दामाद था कि मैंने इस तरह का अपनी बेटी के लिए, क्योंकि अरेंज है तो जाहिर है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग। ये अभी जब शो पे आना था तो मैंने इससे कहा कि बेटा जाना है शो पे। हाँ। तो उन्होंने कहा पापा मैं क्या करूँगी जाके,
क्या बातें करूंगी क्या, तो मैंने कहा अच्छा फिर मैं उनसे कह देता हूँ कि बड़ी नहीं तो चलो छोटी आ जाएगी, फीलिंग्स तो वही है दोनों के लिए। जब उनको रुखसत करता है आदमी तो एक फिल्म चलती है पूरी पहले दिन से लेके इसके रुखसत होने तक। तो मैंने कहा चलो उसको, तो इसके मियाँ का फोन आ गया कि नहीं अंकल जी इसको जाना चाहिए, मेरे अब्बू भी कह रहे हैं कि इसको जाना चाहिए। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमने तो आपसे इजाजत लेनी थी कि भी ये आए जाए कि ना जाए, तो आपने तो बहुत ब्रॉड माइंडेड है आप माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात आपने कर दी। तो फिर ये आ गई मेरे साथ। अच्छा, तो अब ये जब बेटियों को रुखसत करता है इंसान तो सोग में होता है। उसकी ताज़ा मिसाल ये है कि हम दोनों इस वक्त सोग में हैं, ब्लैक कपड़े पहन के बैठे, अभी तक दूर नहीं हुआ वो सदमा अभी तक नहीं। ये ब्लैक कपड़े एक्चुअली पतला भी दिखाते और ब्लैक कपड़े लोग इसलिए भी पहनते, यही वजह थी। वही सोग नहीं होता, ये तो जरा स्मार्ट लगने की टेक्निक है। अच्छा, सबसे पहले इनकी रुखसती हुई जाहिर है, सो वो माशाल्लाह ये हंसमुख हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। उस वक्त जब तुम्हारी रुखसती हो रही थी तो ये इन्होंने अपने आप को कंपोज्ड रखा हुआ था या छोड़ दिए थे अपने आसाब? उस टाइम तो रखा हुआ था, फिर मुझे बाद में पता चला था कि रूम में जाके रूम बंद करके रो रहे थे। वैसे क्या सेंसिटिव हैं? सेंसिटिव हैं बहुत बहुत ज्यादा। अब एक्सप्रेसिव हैं, जैसे अक्सर अब्बा एक्सप्रेसिव नहीं होते ना? नहीं हैं, बहुत हैं। तो आप जब माशाल्लाह इसकी शादी को 6 साल हो गए, अब क्या मिस करते हैं इसके हवाले से सबसे ज्यादा जो घर में? सबसे ज्यादा इसकी क्या चीज मिस करते हैं? इसे खुद इसी को मिस करते हैं। हम कदम पे, ये वो बच्चा था, कराची में थे हम। अच्छा। जब मैं उस वक्त मैं कराची में ही था, ये छोटी थी तो ये चूंकि पहला बेबी था, तो जब यहाँ कभी लाइट का प्रॉब्लम होता था तो इस बेबी को लेके हम एसी वाली गाड़ी में घूमते थे तकरीबन क्लिफ्टन ये वो डिफेंस ये कि इसकी नींद पूरी हो जाए किसी। तो जब ऐसा बेबी होगा तो उसको मिस नहीं करेंगे। लाडली और नाज नखरे फुल उठाए, बड़े बच्चे का तो ये होता है। तंग करने वाली बच्ची थी ये? तंग भी करती थी। अच्छा, ये नहीं कि बिल्कुल फरिश्ता नहीं थी, तंग भी करती थी। आप वो वाले अब्बा थे कि चुप कराने वाले, हेल्पफुल थे? ये चिमट जाती थी जब मैं निकलने लगता था अपने काम के लिए, तो ये चिमट जाती थी माँ की गोद से उतर के मुझे यूं करके, तो फिर इसको बिल्कुल तोड़ के उतारना पड़ता था। छुप के निकलते ना फिर सारे अब्बा बच्चों से, आप भी इसी तरह करते थे छुप के निकलना। सो अब जैसे खुदा ना खासा कभी बीमार हैं या कुछ हैं, तो ये खिदमत में कौन से नंबर पे होती थी सारे बच्चों में? सारे माशाल्लाह केयरिंग है। अच्छा, छोटे तक ये हर बंदा जाते आते हाल पूछता है, दवाई खा ली आपने? ये किया आपने, वो किया आपने, एक मिनट बाहर चेक कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, चारों के चारों में जरासीम है। इसके हाथ की पहली रोटी याद है आपको? क्योंकि बच्ची हमेशा सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल माउस होता है ना लड़कियों का, वो उनका अब्बा होता है। कुछ भी चाय बनाई है, रोटी बनाई है, अब्बा को खिलाना है, याद है आपको वो? जी वो भी याद है। और अब भी जब मैं इसके घर जाता हूँ तो मैं इसे कहता हूँ कि बेटा वो बनाओ शलगम बनाओ। अच्छा। और ये बनाती है, अभी भी इसके हाथ का पराठा चौरस होता है। अच्छा। चुकोर बड़े शौक से खाता हूँ मैं अभी भी। अच्छा, तो तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने नया नया कुकिंग शुरू किया और अब्बा को कुछ चखाया? बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई की थी। करते अब नहीं भी अच्छी बनती थी फिर भी कहते थे कि बहुत अच्छी है, मेरी बेटी ने बनाई है बहुत अच्छी है। मतलब फिर मुझे मैं कहती थी ये तो इतनी अच्छी नहीं है, पर वो तारीफ़ करते थे। कभी ऐसे नहीं हुआ कि कहा हो कि, तो अब फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग कर। खाने पीने की चीज़ों पर मुझे एक वाकया याद आ गया। इसी ARY का स्टूडियो था, हम यहाँ उस वक्त सीरियल किया करते थे बंगले में, कंगले ये वो और काफ़ी सारे ड्रामे। तो यहीं मैं मेकअप रूम में बैठा हुआ था तो एक घबराया हुआ बंदा अंदर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया, मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा बाहर कोई खड्डा हो गया कुछ हुआ। कहने लगे वो अशोक भाई, वो जो कुकिंग का यहाँ सेगमेंट होता था, कहते उन्होंने भिंडी बनाई है, सबसे पहले मुझे चखाती हैं हर चीज़, मैं उनसे डर के भागा हुआ। हमने ऐसी ऐसी चीज़ें भी खाई हुई हैं, तो बच्चों के हाथों की चीज़ें तो अच्छी लगती हैं। वो डरा हुआ था, खौफ सा था, कह रहा आज उन्होंने भिंडी बनाई और वो सबसे पहले मुझे चखाती हैं वो, तो मैं कई दफ़ा चख चुका हूँ मैं, अब दौड़ दौड़ाया। नाम नहीं बताएगा उन शेफ का? कभी दोनों का नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि वो अभी भी ARY में है जो भागा था डर के, तो वो तो खैर नहीं है अब खातून।
अच्छा जी, जैसे हम इनसे गप यहाँ पे लगा रहे हैं और एक वो मज़ेदार वाली बातें हो रही हैं जो शायद हर घर की कहानी है, हर बाप हर बेटी का रिलेशन, उसमें ये सारी चीज़ें कॉमन एलिमेंट्स होते हैं और वो मोहब्बत. सो एक और सेलिब्रिटी गेस्ट को मैं यहाँ दावत दे रही हूँ. अगर मैं उनके बारे में कहूँ कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एज असिस्टेंट डायरेक्टर किया था, फिर आपने उनको कई ड्रामों में एज एन एक्टर देखा है, और अगर उन ड्रामों के नाम याद दिलाऊं तो उनमें शामिल है मुसर्रत, आदि गवाही, जंजाल पूरा, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, मन्नत, छोटी सी जिंदगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आइए वेलकम करते हैं खालिद सलीम भट्ट अपनी बेटी राबिया के साथ. कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक ठाक. शुक्रिया. राबिया सबसे बड़ी बेटी है. कितने टोटल, कितना वो क्या कहते हैं उसे, कुनबा टोटल कितना माशाल्लाह कितने बच्चे? अब तो मेरे पास एक भी नहीं है. ये तो जाहिर है, यही आखिर है. जैसे मैं अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ आया था तो मेरे बच्चे भी छोड़ गए. हाँ. दो की तो बहुत खुशी है. हाँ. तो वो बेटियाँ हैं, अपने घर गई हैं. हाँ. और दो जो हैं वो इसलिए खुश हैं कि वो अपनी बीवियों का कहना मानते हैं. चले, ये तो उनका शरई हक है ना, बीवियों का. टोटल आपके भी चार पीसेज हैं जी. दो बेटियाँ और दो बेटे, सेम सेम ना. शोबिज का मैं हैरत अंगेज आपको वाकया सुनाऊं. जी जी. खालिद भट्ट साहब जी, मैं. हाँ. मोहम्मद कवी खान साहब जी, अपने महमूद अख्तर साहब जी जी. दो बेटे दो बेटियां, ये माशाल्लाह चारों का उन्होंने प्लान किया है, प्लानिंग है, पूरा सेट है. मैं असल में पहले दो बेटियां. हाँ. तो हम तो समझते हैं कि बेटियां जो हैं हमारे लिए जन्नत की जगह दरवाजे खोलेंगी, बुक करवाने के लिए हमारे. हाँ. इससे बड़ा वकील हमारे पास कोई नहीं. लेकिन हमारे वालिदैन जो हैं वो चाहते हैं कि नस्ल आगे बढ़े. अच्छा. तो इसलिए उनका कहना मानते हुए फिर ट्राई करते हैं, तो तब फिर बेटे छोटे हुए. फिर बेटे छोटे, वरना हमें तो बेटियों के साथ ही खुशी है. अच्छा, तो राबिया की माशाल्लाह शादी को कितना अरसा होगा? 19 ईयर्स. अरे बापरे. मतलब कि छोटी सी बच्ची की आपने शादी कर दी है भाई. देखिए, बात यह है कि ये हमारी बेटियों का शो है. हाँ. राबिया अदनान, राबिया अनम और इरमा. इरमा आप जी, इसलिए हम, मेरे तो खान साहब के तो 85वें इंटरव्यू हैं. हाँ. इसलिए आप हमारी बेटियों से पूछे जो कुछ ये कहना. बिल्कुल, मैं तो देखे ना, पहला मौका है. हाँ. जहाँ ये कुछ नरम चौदा होंगी तो वहाँ हम उनकी सपोर्ट कर देंगे. क्यों होंगी, आपकी बेटी है भाई, वो तो जाहिर है. और आपकी हाफिज है ये. ओ माशाल्लाह. इसको आए बगैर भी पता था कि आपके साथ शहजादी होती है. उसने जी, अब इससे अंदाजा लगाइए ना. मेरा और आपका तो वो रिश्ता भी है ना, जो आप अपने प्रोग्राम में कहती हैं मैके वालियाँ. अच्छा, हम मैके वालियाँ भी हैं. जब आप ऑन एयर आई. हाँ. फील्ड में आई. हाँ. तो आप एक कह लें कि सखी थी हमारी, मेरे लिए. मुझे देख के आपको इतना अच्छा लगा कि किसी ने, नई अगली जो जनरेशन है. हाँ. उसमें से किसी ने तो हिम्मत की है और किसी ने आगे बढ़ के और सपोर्ट हुआ उसे. हाँ. और हम फिर अब्बू की तरफ ऐसे देख के फिर ऐसे कर लेते थे कि शायद अब्बू का कहीं. हाँ. लेकिन आप एक फैंटेसी थी उस वक्त हमारे लिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं मुझे आज मुझे भी मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ. ये तो मेरा ही इंटरव्यू. मैं तो आपका इंटरव्यू आज भी आपका वो इंटरव्यू याद मुझे अभी भी, मेरे विजुअल है जब आपकी एंगेजमेंट हुई नवाज. अच्छा. के साथ और आपने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा जी कैसा लग रहा है आपको. हाँ. आपकी इनके साथ एंगेजमेंट हो गए तो आपको तो सेम कहते बहुत अच्छा लग रहा है. जैसे मैं अपने
मेरे बहन भाई हैं, इसी तरह मैं अपने बहन इनके भी बहन भाइयों को बहन भाई कहूँगी। शायद आपको याद होगा, मुझे खुद याद नहीं है, पर मुझे आज तक भी वो एक याद है, वो विजुअल याद है जो टीवी पे एज ए न्यूज चला। अच्छा, तो अच्छा। फिर तो मैं तो अब आपका इंटरव्यू लूंगी ना, मेरी पार्टी है। तो माशाल्लाह 19 साल हो गए आपकी शादी को। कैसा अब्बा से कैसा रिलेशनशिप था? एक होता है ना, ये तो कुछ बाप होते हैं जरा, जिनसे खौफ होता है, डर होता है, अब्बू आगे चुप हो जाओ, गाने बंद कर दो फलाना, और एक अब्बू होते हैं कि आप ज्यादा ही आप अम्मा की शिकायतें लगा रही होती हैं, अम्मा ने आज हमसे बहुत काम करवाया। अब्बू जब अब्बू का मूड अच्छा हो ना, अब्बू जैसा कोई मैं कहती हूँ कि दुनिया में कोई फ्रेंड ही नहीं। तो मूड कब का मूड मूड तब अच्छा है, अब्बू ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम लोगों को लेके जा रहे हैं, हम लोगों अब्बू ने हमें मरी दिखाया, अब्बू ने हमें एक एक हिस्टोरिकल प्लेस दिखाया लाहौर में। अब्बा का तब मूड अच्छा, तब मूड अच्छा होता है, घूमना फिरना, अब्बू खूब ड्राइव कर रहे हैं, गाने लगे हुए हैं, हम लोग चीखे मार रहे हैं, हम लोग साथ तालियां बजा रहे हैं, और वो और मैं स्पेशली अब्बू के अक्सर ये जैसे अब अंकल जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते थे ये पीटीवी के मोहम्मद अजीम अंकल हैं, खावर अंकल हैं, इन सब के घर जब हम ईद पे गेट टुगेदर से जाते तो अम्मी अक्सर कहती होती थी मैं थकी हुई सुबह से मैंने काम किया, तो मैं और छोटी सिस्टर बस हम लोग गाड़ी में बैठे हैं तैयार होके अब्बू के साथ, और सबके घर जा रहे हैं और मिल रहे हैं, और इस तरह का रिलेशन था। लेकिन अगर उनकी किसी छोटी सी किसी बात पे, जैसे उनके कामों के कोई कंटिन्यूटी के कपड़े हैं, या मैंने कोई रिकॉर्डिंग का फोन नहीं बताया, तो बस फिर खैर नहीं है। जो कितनी डांट पड़ती थी ना, ये बातें जरा मैं पूछूंगी, एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आएंगे। और हमारी एक और सेलिब्रिटी जो है यहाँ मौजूद है अपने अब्बू के साथ, उनके अब्बू को आपने कभी मेरे शो पे नहीं देखा, पहली दफा आज आपकी मुलाकात उनसे होगी, एक छोटे से वक्फे के बाद यही खूबसूरत और प्यारी रिलेटेबल बातें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात हो रही है अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज और उनकी बेटियों के साथ, और बेटी और अब्बा का रिश्ता आज हम शो पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ आपने दो सेलिब्रिटीज की बेटियों को, बड़ी बेटियाँ पहलूटी की औलाद को देख लिया, और अब मैं आपको मिलवा रही हूँ जी, जैसे कि इन्होंने नाम ले भी दिया था, एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिनको आप बहुत एडमायर करते हैं, आपने उनको एज न्यूज़ एंकर सराहा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो आपके दिल के करीब, चाहे वो रमज़ान ट्रांसमिशन हो या कोई और ऐसा प्रोग्राम जिसको आपने सराहा, राबिया अनम एक ऐसा नाम है जो हर घर में लिया जाता है, और यहाँ आज वो पहली दफ़ा अपने फादर के साथ मौजूद हैं। तो आइए वेलकम करते हैं राबिया अनम विद मोहम्मद आसिफ साहब। Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ji. And Abu is not here first time on your show. He's actually first time on any TV channel. Bahut aapka shukriya ki aapne hame ye izzat di. Please aaye baithe, please aaye. Assalamu alaikum. कहते एक तो तुम लेके जा रही हो मुझे पहली दफा टीवी पर, वो भी लाइव। अरे भाई आप राबिया के अबू हैं, तो जो आपके अंदर से तो ये जरा सीम लिए हैं इसने लाइव, इतनी कॉन्फिडेंस जो है माशाल्लाह। सो यहाँ पे भी यही होगा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमारा इन्विटेशन कबूल किया, बेटी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा बस आप जा रहे हैं, मैं पूछ नहीं रही हूं, बता रहे ये ऐसी डाडी बेटी है। बिल्कुल डाडी है, आपने ये करना है तो करना है, करना है। एक ही एक बेटी है आपकी माशाल्लाह, ये तो मुझे राबिया ने बताया। तीन भाई हैं ना तुम्हारे? भाई हैं। एक ही एक बेटी, और तुम्हारा नंबर कौन सा उसमें? आपसे छोटी हूँ, सबसे छोटी। इसने बड़े नखरे उठाए हैं अपने आप से, बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा बचपन से। ओए मतलब लाइक डोमिनेशन घर में जो है वो बेटी की चलती है, बेटी ही की चलती है, बिल्कुल सही है। अच्छा जब लेकिन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट इस बात पर कि एक होता है ना घरों का माहौल कि नहीं जी बेटों की सुननी है। हाँ। मैंने घर में जब भी कोई मशवरा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई गलत नहीं दिया मशवरा। हाँ। लेकिन जब भी मशवरा दिया, ही हैज टेकन स्टैंड फॉर मी, माशाल्लाह। कि नहीं वो अनम कह रही है, मुझे अनम ही कहते हैं घर में। हाँ। कोई राबिया नहीं कहता, अनम कह रही है तो बस इस तरह करेंगे और ये ठीक हो जाएगा, और वो हो जाता है। यानी कि घर में मुर्गी की टांग तुम्हें ही मिला। हाँ। हमेशा तू पश्तों में पतुन कहते हैं, तो पतुन हमें ही मिलता। तीन बेटों के बाद आपके घर में राबिया पैदा हुई, मैं तो वहां से आई हूँ ना, फ्लैशबैक से, शुरू से। सो वहां से बताएं फिर कैसी फीलिंग थी आपकी
तीन बेटों को पालने के बाद एक बेटी को पालने का एक्सपीरियंस? हकीकत तो ये है कि मुझे ख्वाहिश थी कि पहली बेटी हो मेरी। अच्छा, क्योंकि बेटियों के बारे में तो ये है कि नेमत होती हैं। बिल्कुल, बेटे नेमत होते हैं और नेमत का कोई नेमत का जो है ना आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा, रहमत का कोई हिसाब नहीं। तो ये जो है बच्ची मेरी जो पहले बेटे के बाद जो है ना ख्वाहिश बढ़ गई मेरी। अच्छा। दूसरा बेटा, फिर तीसरा बेटा, ख्वाहिश बढ़ती गई कि यार बेटी कब होगी। क्योंकि खानदान वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई अब बस करो, अब तीन बेटे आ गए तीन साल में तो। लेकिन मैं, मुझे बेटी की ख्वाहिश थी। हकीकत ये है कि जो सबसे छोटा बेटा है उसके तकरीबन 8 साल के बाद इसकी पैदाइश हुई है। अच्छा। तो 8 साल का गैप भी है इसमें। ओए ओए। तो लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब बेटी पैदा हुई, तो मैंने कहा अब फैमिली कंप्लीट हो गई है। तो ये आप वो वाले बाप है जो अक्सर होते हैं ना छोटी छोटे बच्चों को पीठ पे, यानी कि मैं भी अपने अब्बा की पीठ पे बैठी हूँ और वो घोड़ा बने हैं मेरे लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो यही वाली कहानी थी। प्लस मेरा फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पे जो पेंट, शुरू में नया नया कंप्यूटर आया था ना, पेंट हो करते थे बच्चों सब कुछ। तो घर में नहीं था कंप्यूटर, तो अब्बू मुझे सैटरडेज को ऑफिस लेकर जाते थे वो अभी कंप्यूटर पे खेलने के। जी जी, वहीं पर जॉब। हाफ डे होता था, तो खैर ऑफ होता है सैटरडे, लेकिन उस वक्त मैं ऑफिस ले जाता था इसको स्पेशली। हाँ। और कंप्यूटर पे बिठा देता था। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आल्सो फिर मुझे लोगों से और ऑफिस का कल्चर और अब्बू की जाहिर है बहुत वेरी नोन बिग। तो वो ये इसके अंदर वहीं से पैदा हो गए। मुझे लगता है जी, बिल्कुल कि ये तो मतलब लाइक आपको पता था कि जैसे होता है ना बचपन से बच्चों को पता चल जाता है ये कॉन्फिडेंट है, ये तो कुछ बनेगी, ये तो आपको अंदाजा था राबिया के हवाले से? थोड़ा बहुत अंदाजा था, लेकिन इतना भी नहीं था माशाल्लाह इतनी जो है वो तरक्की कर जाएगी ये। हाँ। और बस मुझे था कि ये जो बनना चाहती है ये। हाँ। वो बने। हाँ। और वो अल्लाह ताला ने उसको बना दिया। मतलब मीडिया में आने के बाद जो है खानदान वालों ने तो बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज किया था कि अब हमारे खानदान में से कोई भी नहीं है। हाँ। तो ये कैसे मीडिया में जा रही है? तो आज फर्स्ट टाइम अब्बा को भी ले गई टीवी पे। पहले कहते थे अम्मा को भी टीवी पे ले जाती, अब कहेंगे लो जी ये भी चला। लेकिन मैंने इनको बिठा के ये शरायत लगा दी थी कि भाई आप जो जा रही हो न्यूज़ के लिए जा रही हो आप, तो न्यूज़ तक ही रहना, आगे मत जाना। और उसके बाद इनको ऑफर वगैरह आई हैं, ड्रामों की भी ऑफर आई हैं और आगे फिल्म तक भी ऑफर आई थी, लेकिन ये है कि इन्होंने न्यूज़ और एज एंकरिंग को ही अपना जॉब बनाया, प्रेफर किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो अभी तक जो है पूरा मुआहदा हुआ था। जी मुआहदा हुआ था, जाने से पहले आगे नहीं जाना, पैक्ट बनाया गया था, बिल्कुल आगे नहीं जाना। और कैसे इजाजत ली थी, मनाया कैसे था आपको? मनाया तो वालदा के थ्रू बनवाया था इन्होंने। अम्मा मेरी साइड पे। जी वो फुल साइड पे थी इनकी। हाँ। और उन्होंने मुझे, जाहिर है वो शरीक हयात है हमारी और एक ही है, तो ये सदमे से कह रहा है, खुशी खुशी से कह रहा है। ये सदमा है क्योंकि इनके ससुर ने, मतलब मेरे नाना ने तीन शादी की। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे साथ बेईमानी होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी वाइफ है माशाल्लाह, तो उन्होंने पूरा घर जो है वो संभाला हुआ है। हमारे घर में उलट होता था कि जो हमारे घर के जो मुगले आजम है उनसे कोई बात बनवाने के लिए मेरे पास ये एक सिपाही की फौज है। अब इस तरह ही है। हाँ। जो भी बात होती है वो मेरे थ्रू ही जाती है। अच्छा। अम्मा कहती हैं यार प्लीज तुम अब्बू को एक दफा कॉल कर दो तो मान जाएंगे। हाँ। तो अच्छा, इसके बचपन के बारे में बताएं ना कि ये रोतू बच्चा थी, तंग करने वाली बच्चा थी? बिल्कुल बिल्कुल रोतू बच्चा नहीं थी। हाँ। और बहुत ज्यादा, मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि एक तो लाडली तो थी। हाँ। तीन भाइयों के बाद तीन भाई भी इसके बड़े लाड उठाते थे। और फिर मैं, माँ बाप की तरफ से भी बड़ा प्यार मिला उनको और ख़ानदान की तरफ से भी। अच्छा। क्योंकि जाहिर है मैं बेटों में अपने माँ बाप का बड़ा बेटा था। हाँ। तो सबकी ख्वाहिश ये थी कि इनकी एक बेटी हो। अच्छा। तो बेटी के बाद फिर ये इनका बचपन आप ये समझ लें कि लाड प्यार में ही गुजरा है। तो बहुत मतलब ये कि इसकी वजह से हमारे घर में देखा जाए बेटों की खुशी तो अपनी होती है, लेकिन बेटी के आने के बाद जो खुशी हमारे घर में रौनक आई है, नो डाउट कि वो फुल। इसको ईद पर ले जाके शॉपिंग कराना, मेहंदी लगाना, चूड़ियों पहनाना, वो वाले अब्बा थे या? नहीं, ये काम लेके जाते मैं नहीं लेके जाता था, लेकिन मैं ड्यूटी लगाता था, कैश मेरी तरफ से चला जाता था वाइफ को, जो है इसको जो ख्वाहिश है इसकी वो पूरी करे। क्योंकि अक्सर यही होता है ना कि भाई है ज्यादा या अब्बू, तो कोई एक भाई की ड्यूटी होती है तुमने ले जाना है ईद पर। हाँ, ऐसा बिल्कुल। और अगर किसी ने कोई तंग कर दिया बाजार में तो भर उसकी खैर नहीं, अब्बा
भाई सब खड़े हो जाते। अब्बू बताएंगे मेरे भाई से बहुत लड़के पिटे हैं। एक जो आबिद है उसने बहुत लड़कों को पीटा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में जो भी शिकायत वगैरह आती थी तो वो अपने उसका भी मैं शिकायत नहीं भी करती थी तो उसको कहीं और से पता चल जाता। वो पीट के आ चुके होते थे, बाद में मुझे पता चलता था। अच्छा। फिर मुझे जाना पड़ता था उनके पास। ये हो गया है। हाँ। आप लोग भी आइंदा ख्याल रखिएगा, बच्चे को भी मैं समझा। अच्छा, मैंने इन लोगों से भी इनसे भी ये सवाल किया था, होते ना राबिया के हाथ की पहली रोटी या किचन में जाने का जब बच्ची को शौक होता है तो वो याद है या ये कंप्यूटर पे ही होती थी किचन में? नहीं, मुझे याद है कि इन्होंने गोल रोटी तो नहीं बनाई थी मेरे साथ, थोड़ी टेढ़ी सी थी। और मेरी दादी, अल्लाह उनको सेहत दे, वो मेरे साथ अम्मी किसी की डेथ पर लाहौर चली गई थी। तो वो एक घर की अचानक जिम्मेदारी, तो मेरी दादी ने कहा कि रोटी का क्या करना है। तो वो मेरी दादी मेरे साथ खड़ी हुई थी और मैंने पहली वो रोटी बनाई और वो बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया कि रोटी पक सही गई है, शेप शेप खराब है, गोल नहीं था वो। अच्छा। सो होता है ना कभी, जैसे लाइक मेरे अब्बू की सख्ती थी, मुझे छुट्टी नहीं करने देते थे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में उन्होंने, और वो आदत इतनी डेवलप हुई कि मैं यहाँ की भी छुट्टी नहीं करती, मेरी टीम कहती कभी तो यार तभी तो आप माशाल्लाह माशाल्लाह। सो मेरे अब्बू ने मुझे एक मेरे अंदर आदत इंड्यूस की है। आपने कोई राबिया के अंदर ऐसी सख्ती, होता है जब प्यार मोहब्बत अपनी जगह होती है, देखिए बड़ा प्यारा रिश्ता होता है प्यार मोहब्बत और डिसिप्लिन का बराबर बराबर, सो आपने इसकी कौन सी ऐसी क्वालिटी जो आपकी सख्ती की वजह से आई है? कमिटमेंट, मैंने कहा था कि बेटा जिनसे कमिटमेंट आप करें ना उसको पूरा ज़रूर करें, जो वादा करें आप उसके साथ पूरा करें, क्योंकि ये तो ये चीज़ मुझ में देख रही थी वो। हाँ। कि मेरी ख्वाहिश यही होती है कि मैं जिससे वादा कोई कर लेता हूँ या कोई प्रॉमिस करता हूँ मैं पूरा करता हूँ, अपनी कमिटमेंट पूरी करता हूँ। यही मैंने बेटी को भी जो है वो समझाया कि बेटा आपने कमिटमेंट अगर किसी से करनी है तो वो पूरी करनी है आपने। He never delays payments और इस तरह होती है कोई चीज़। तो जब मैंने सैलॉन खोला तो इन्होंने कहा कि आप सैलरी की क्या डेट फिक्स करोगी? हाँ। तो मैंने कहा कि 5th को कर देते हैं सैलरीज, और तो इन्होंने कहा कि अच्छा, क्योंकि हमारा सैलॉन ही 4th को स्टार्ट हुआ। हाँ। तो मैंने कहा हर महीने की 5th को दिया करेंगे। ही मेड श्योर आज तक हमारी कभी एक दिन भी सैलरी डिले नहीं हुई। एक दिन पहले दे देते हैं। हाँ। लेकिन दे देते एक दिन बाद नहीं, नहीं। पहले तो ये खुद अपने हाथों से बैठ के सब पूरे स्टाफ के एनवेलप्स बनाते थे, वो माशाल्लाह जितने ज्यादा हो लोग तो अब हम यू नो वी हैव गॉट हेल्प फॉर इट। अच्छा, यही सवाल जरूर है, यही सवाल जो मैंने इनसे किया है कि आपकी आपने कौन सी अच्छी आदत, आप दोनों से यही सवाल है, आपने ऐसी सख्ती से लेकर आए हैं अपनी बेटियों में जो आप लोग फख्र फील करते हैं कि इनके अंदर ये आदत हमने डाली है सख्ती की? जिम्मेदारी का एहसास मैं पहले भी बता चुका हूँ। हाँ, हाँ। और राबिया जिस तरह कह रही हैं। हाँ। कि ये फर्स्ट को ये सैलरीज वगैरह दे देती हैं। हाँ। क्योंकि बट साहब, मैं राबिया हम उस शोबे से ताल्लुक रखते हैं कि जहाँ हमें भूल जाता है कि हमें कौन सा काम कब किया था। ये 84 में किया था तो वो अभी तक फोन नहीं आया उनका, इसलिए ये फर्स्ट को ये प्रोड्यूसर भी दे या तो काम के बाद इसकी याददाश्त चली जाए, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, हर तरफ इसे याद ना आ जाए कि पैसे लेने हैं। ये इनको पता है कि एक चैनल ने मेरे 6 महीने की सैलरी खाई हुई है, 8 महीने की खाई हुई है। ये मैंने कंप्यूटर में लिखा हुआ है, मैंने अपने कंप्यूटर में लिखा हुआ है कि आपकी 8 महीने की आपकी मेहनत की कमाई है, ये आपने कोई जाके वहाँ पे तो वो आपने जो है ना वो आपको देनी चाहिए, उस चैनल को देनी चाहिए। हाँ। अच्छा, बहरहाल उनकी भी मजबूरियाँ होती है। ये भी चैनल पे बैठे हुए हैं वो ये चैनल नहीं है। हाँ। आसिफ साहब, आसिफ साहब आपने तो कागज बेचना है। हाँ। हमने तो फिर यही काम करना है। हमारे पीछे कागज मिलेगा। अच्छा, आप तो बताइए ना, आपकी आपने इनके अंदर ऐसी क्या जिम्मेदारी? अब 19 साल हो गए, आप भूल तो नहीं गए कौन सी जिम्मेदारी? ये अब भी कहती है अब्बू जान अब तो ना मुझे डांटे, अब मैं 4 बच्चों की माँ हो गई। ये इतनी सादा होती थी। हाँ। और ऐसे क्वेश्चन अजीब से कर देती थी कि इससे मेरी जैसी थी कि इससे दो जगह छोटा भाई जो है उसने जब एक गाना बनाया हुआ था, मेरा दिल भी कितना आपी है जो अब इससे के तो जब भी गाना ये अभी अपने फादर की तारीफें कर रही थी कि इनका मूड अच्छा होता था तो हमें वहाँ ले जाते थे। हाँ। हमारा साथ बहुत पुराना है ड्रामों का। हाँ। बहुत पुराना, ब्लैक एंड वाइट से लेके अब तक। इनके जो साथी आर्टिस्ट होते हैं ना, अब जिस ड्रामे में ये होते हैं। हाँ। वो दो दो नफल पढ़ लेते हैं शुक्राने के कि आज इनका मूड अच्छा है, दो दो नफल सजदे में पड़े होते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये घर में भी ऐसे ही ना? मतलब जी जी माशाल्लाह। अब देखिए निजा बेटा,
जो बड़ी बेटी होती है ना, यही किचन में माँ के साथ जाती है। जी, जी, जी। तो इसकी अम्मी जो है, हम कश्मीरी भट्ट है, तो वो खाना बहुत अच्छा पकाती है। जी, जी। बहुत अच्छा। तो ये इन्होंने उसी से सीखा, अपनी अम्मी से। अच्छा। अब मैं कभी इनकी तरफ से खाया हूँ, मैं कहा जो आप ही ने गोभी गोश्त पकाया, ऐसी बहुत मजा आया। आप तो कहते हैं आपने? हाँ जी। ये क्या बात है, जगत आप भी बना दिया। बचपन से मेरी बीवी ने इसका नाम आपी और छोटी का नाम बाजी रखा है, ताकि ये बड़े भी हो तो इनको अदब से ही बुलाया जाए। क्या बात है। तो जब पैदा हुई तब से इसको आपी। तो राबिया तो हम इसलिए कह रहे हैं कि लोगों को पता चले, वरना घर में छोटा बड़ा, इसके मामू जान, इसकी नानो, सब आपी कहते हैं। आपी तो मुझे अब सब आनिया कहते हैं। आनिया कहते हैं क्योंकि शाज़िल जो मेरे भाई का बेटा, ही कॉल्ड मी आनिया। ओ, ये लोग भी सब आनिया, सब आनिया, आनिया को बुलाओ। मैं इसकी तारीफ करूँ, उन्होंने बहुत अच्छा खाना पकाया, तो वो अब इससे जेलस हो जाती है। मुझे भी कभी कभार जेलसी होती है अपनी बेटी से, या सर सारी उसकी बातें सुन लेता है। हमें तो वो तैयार हो क्या, क्या लग रही हो, बड़ी जबरदस्त ये वो, और हमें तो कोई देखता ही नहीं है। हाँ, मुझे भी होती है। हलवा कद्दू और गोश्त और सफेद चावल पकाती है। तुसी ओथे क्यों नहीं रहना आप कहते हैं? हाँ। मैं कहता आपने ही सिखाया हुआ उसे ये नहीं, तो तुसी ते असर कहते हैं। हाँ। मतलब वो इससे भी जलने लगी है कि मेरी ती ही मेरे को अच्छा। अच्छा, इसी से मैं एक सवाल करना चाहूंगी, जैसे अक्सर हस्बैंड्स कोई ना कोई सख्ती करते हैं अपनी वाइफ्स पर, बेटियों के लिए वो सख्ती नहीं होती। बिल्कुल नहीं। सो अगर वो हो तो तुम्हें कुछ याद है कि अम्मा पे क्या सख्ती थी, तुम्हारे ऊपर नहीं थी वो? कोई एक कोई ऐसी पापा ने कभी भी नहीं किया ऐसी कोई सख्ती, मामा पे भी नहीं करते थे। हाँ, मेरे पे भी कभी बच्चों पे की नहीं है। अच्छा। सच्ची मामा पे भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई कोई। हाँ। किसी चीज में बस ये होता था कि खाना जो है वो बनाओ तो वो मेरे मुताबिक हो। अच्छा। और वो जरा सी उसमें 19-20 हो जाए। हाँ। तो वो फिर एक तूफान आता था तूफान। बहुत ज्यादा अभी भी अभी। हाँ। मेरे से हो जाए कुछ कि ये चीज क्यों ऐड की है, ये क्यों नहीं है, खाने में पर्टिकुलर है, अच्छा मजे का होना चाहिए खाना, वरना सादा हो मगर अच्छा हो, जायकेदार हो। मुरगन चीजों से मैं बागी हूँ। अच्छा। दाल चावल सब्जी ये आपको पसंद है? वो तो ढंग की हो। जब आप इतने सादा है तो आपको और ना सादा कर दिया जाए। आपके घर में तूफान कब आता है आपकी वजह से? इसी वजह से, खाने की वजह से। और नमक अगर ज्यादा हो जाए, क्योंकि नमक ज्यादा हो जाए, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, तो अगर नमक ज्यादा हो जाए। हाँ। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है। लेकिन ये शुगर के भी पेशेंट हैं, लेकिन मीठा जरूर खाते हैं। मीठा खाता हूँ लेकिन कम खाता हूँ, क्योंकि इंसुलिन पे हूँ ना मैं। हाँ। इंसुलिन पे एक एडवांटेज ये है कि आप थोड़ा बहुत जो है ना खा सकते हैं, लेकिन अगर मैं मेडिसिन पे होता तो फिर मेरे लिए मुश्किल। इनका वो वाला है कि गुलाब जामुन भी खाएंगे, रबड़ी भी, रसमलाई भी, फिर कहेंगे यार जरा डाइट कोल्ड ड्रिंक ले। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि कभी आपकी वाइफ को अपनी बात मनवाने के लिए राबिया का सहारा लेना पड़ता है? जी, ऐसा कई दफा हुआ है कि फोन इनकी तरफ से आते हैं। समझ तो जाता हूँ मैं। हाँ। कि ये कहाँ से आई है सिफारिश। हाँ। तो वो फौरन हो जाता है फिर वो काम। जैसे बहुत से फोन GHQ से आते हैं, तो समझ लग जाती है ये तो हमें मरवाएंगे। लास्ट टाइम में मरा अम्मी का जो नंबर है, अब वो हमारे हैं, हम उनके हैं, 76 साल। हम आपके घर की बात करते हैं ना, हम अपने घर की चार दीवारी में रहते हैं, हम कहीं और क्यों जाते हैं। ये शो बचा हुआ है और चैनल भी तो और क्या बचा है इस तरह पतंग के। चले हम ब्रेक पे चलते हैं, आइए चले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत बापता वाला शो लग रहा है ना आज आपको। आज वो वाली सारी बातें हो रही हैं कि जो मतलब कभी कभार वो जो नहीं एग्जॉस्ट आपको चाहिए होता है। मैं तो अपने दिल का हाल अपने अब्बा से करती थी, अम्मा कहती थी खबर आ ससुराल की कोई बुराई की मेरे पास आके। मैं अब्बा का अबू पता है ये हुआ। सो आई डोंट नो, अब्बास का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अच्छा, मेरा तो करियर रिलेटेड हर चीज़ मैं अभी तक उबैद से भी नहीं कर सकती। आई टॉक टू अबू, अब्बा पहली चीज़ होती है ना, फला कॉल आई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही होना, तो मैं कॉल पे इनको पूरी डिटेल बताती हूँ, एंड देन ही गिव्स मी द करेक्ट मशवरा, ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरह होना ही उन्हें। तो ये मुझे इस बात का बहुत सुकून है। तुम्हें क्या होता है, अपनी जिंदगी के मशवरे कहाँ लेती हूँ? अम्मा से लेती थी, अब्बा से लेती हूँ, मामा से भी करती थी। हाँ। पापा से भी हर बात शेयर करती हूँ, पापा से हर मतलब सारे बच्चे हम तो सीरियस होकर सुनते हैं या मस्ती मजाक में जवाब देते हैं? सीरियस होकर सुनते हैं। हाँ। और फिर हल भी बताते हैं। हाँ। अच्छे हल बताते हैं, बल्कि साइड भी फेवर ज्यादा करते हैं। वही चीज आप वाली। हाँ। कि मामा का वही होता था कि कोई बात मुझे ना करो ये वो सुन लेते हैं, इनसे कोई बात करो तो वो नहीं फिर करते। और तुम बताओ,
मैं ज़्यादा करती तो अबू से हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फिर अम्मी के साथ थोड़ा सा करना पड़ता है, उनको हाथ में रखना पड़ता है, तेज होते हैं ना अबू ने तो मेरे साथ ज़्यादा करती है, इसलिए ससुराल में अभी तक इसके हाथ ताल्लुकात क्योंकि जो माएँ बच्ची का उसके घर तक पीछा करती हैं फिर वो दरमियान में ही कहीं बच्ची को रख देती हैं। ये वाली ये वाली बात तो नहीं, मैं खुदा की कसम संजीदगी से कह रहा हूँ, हम इतने ड्रामे कर रहे हैं, 46 साल से मैं टीवी पे हूँ, 52 साल से शोबिज़ में हूँ, इतनी फिल्में की, नेगेटिव रोल किए या पॉजिटिव, लेकिन हम कंटेंट तो पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमने तो यही मैंने शादी वाले दिन भी सब सामने यही कहा था, बेटा ये सिर्फ फिल्मी बात ना समझना, लेकिन ये है कि हम तुम्हें रुख्सत कर रहे हैं, अब तुम्हें तुम्हारे वहाँ से जनाजा आना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि 19 साल से इसकी तरफ से कोई मेरे अपने उनके साथ इनके फादर के साथ भी और इनके अपने सब दामादों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक। अच्छा, जैसे होता है ना जब माशाल्लाह बेटियों की शादियां कर रहे होते हैं तो उस वक्त सोच होती है कि दामाद ऐसा होना चाहिए हमारे लिए, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था दामाद को लेकर? शरीफ आदमी होना चाहिए और कमा के अपने ही घर लेकर आए, क्योंकि मैं शोबिज में रहते हुए अपने घर आ जाता था तो उसे तो ना होते हुए भी अपने घर आना चाहिए। बड़ी वेरी हाँ और अगर मैं आपसे भी यही सवाल करूं, मैंने कोशिश यही की थी कि सबसे पहले तो पसंद इनकी भी होनी चाहिए, ये ओके करें, जिंदगी इन्होंने गुजारनी है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए मैंने अपने ऑफिस बुलवाया उनको। अच्छा। हाँ, जब ऑफिस मैंने बुलवाया और पूरी डिटेल उनसे मैंने मालूमात की, पता चला कि भाई वो उनका पूरा ख़ानदान माशाल्लाह नमाजी परहेजगार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और प्लस ये कि मैंने दो चार चीज़ें उनको कहा, मैंने कहा यार बच्ची मेरी है खर्चीली, इस वक्त तो वो काम कर रही है मीडिया में तो बहुत पैसे कमा रही है वो, ठीक है अगर वो मीडिया छोड़ती है आफ्टर मतलब मैरिज के तो क्या आप संभालोगे, क्योंकि वो इतना शॉपिंग करती है कि मुझे खुद कभी कभार जो है ना वो होता है कि यार ये कितना पैसा खर्च कर रहा है, मैं खुद ही क्यों ना कोई जनरल स्टोर खोलूं। तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है अगर वो जॉब छोड़ भी दे, माशाल्लाह उनकी भी बड़ी अच्छी जॉब है, तो उन्होंने कहा अगर ये छोड़ भी दे तो ये मेरा मसला है, शादी के बाद इंशाल्लाह सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। ये तमाम चीजें मालूम करने के बाद और चेहरे से भी पता चल जाता है शरीफ इंसान है, उनके नाम में भी शरीफ लिखा, बिल्कुल मैं कन्विंस हो गया था कि भाई ये माशाल्लाह ये मेरी बेटी के लिए जो है बेहतर रहेगा, बेटी भी खुश रहेगी इनके साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 5-6 साल शुरू हो गया बहुत अच्छी फैमिली है। बहुत सारे फादर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो पाबंदियाँ बच्चियों पे खास तौर पे बेटियों पे लगती हैं, आप पख्तून फैमिली से भी आप माशाल्लाह लिबरल कैसे हैं, क्या इसमें क्या सीक्रेट है ये मुझे बताएं। सीक्रेट क्या है कि मैं ये समझता हूँ कि बेटी की जो हम बेटों को जो है ना वो जितनी दे देते हैं कि भाई आप आज़ादी दे देते हैं कि बेटे जो है ना सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो इनको एक दफ़ा मैंने बिठा के समझाया था कि भाई ये हुदूद हैं, आपने इसके अंदर रहते हुए आपने जो है ना कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, उसके बाद आपका जो मास कम्युनिकेशन में जब पढ़ते ही मैंने इनको कहा था कि अगर आपने इस फील्ड में जाना भी है तो बस ये ख्याल रखना है कि अपने ख़ानदान की, क्योंकि मैंने बहुत फ़ाइट की है, मैंने अपने ख़ानदान से इस सिलसिले में बड़ी फ़ाइट की है, तो मैंने कहा इस चीज़ का ख्याल रखना तो आपके अब्बू जो है ना सुरखरू रहेंगे फिर हमेशा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी इस बात की है कि इसने मुझे सुरखरू रखा हुआ था। तो अल्लाह अब्बाओं से ना बेटियों की तारीफ करो, एक ग्लेयर जाने तक एक्सप्रेसिव तो नहीं होते, एक कहीं ना कहीं ग्लेयर आ जाती है, भाई कैमरामैन पकड़ो रख ले। नहीं बट वी आर एक्चुअली इमोशनल अबाउट इट क्योंकि हमने बहुत लड़ाई लड़ी। आई नो नॉट आई नो आई कैन अंडरस्टैंड हिम कि मेरे अब्बू ने बहुत अपने प्यारे रिश्तों से अब्बू दूर रहे बहुत अरसे सिर्फ मेरे लिए। It's not a small thing. I know, so, I can understand. You don't have to cry. I know. I'm sorry. So, यार जब अब्बा की वो कहते ना इतना strong back होती है ना, so कभी बेटियाँ इधर उधर जा ही नहीं सकती हैं अगर वो अपने focus पे रहती हैं, और अगर इस तरह के अब्बा होंगे तो फिर हर दूसरे घर में एक राबिया नम होगी ना। Exactly. मुझे लगता है कि निधा कुछ मुआशरे का भी है कुछ हमारी, और मैं ब्लेम नहीं करती कि अगर किसी की मेंटालिटी वैसी नहीं है जो मेरे अब्बू की अम्मी की है,
मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ हर किसी की सोच की, लेकिन जो ये वक्त होता है ना, जब आप देखें कि यार आपके अपने ही अपने प्यारों से थोड़ा दूर हो गया बिकॉज ऑफ मी, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, बट अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन्स बैक टुगेदर, बड़े खुश हैं सब, मुझसे बहुत प्यार करते हैं अब. लेकिन वो एक जो बीच का कुछ 4-5 साल थे ना, वो मेरे करियर की बहुत पीक रही है, लेकिन खानदान के हवाले से और हर चीज़ में बड़ी एक मुझे लगता है. लेकिन वन थिंग दैट आई वुड वांट टू से इज़ कि ये जो रिश्ता है ना, ये तो एसेंस है आपके, बहन भाई के रिश्ते, माँ बेटा का या माँ बेटी का. मैं कहती हूँ कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये रिश्ते कभी ब्रेक नहीं होने चाहिए, बिकॉज आप फ्यूल होते हैं यार हमारे लिए. यार जिंदगी का कुछ नहीं पता, मतलब मैं आज हूँ नहीं हूँ, किसी का ये तो नहीं है ना कि किसी ने बुढ़ापे में जाके मरना है. तो हमारी जिंदगी का कुछ नहीं पता. मुझे लगता है इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, जायदाद के मसले या किसी के बच्चे ये कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, ये चीजें आपके कभी भी, या रिश्तों का मसला हमारे खानदान में ये भी बड़ा रहा है, जी फलाने रिश्ता मांगा नहीं, उससे का लड़ाई हो गई. और मैं और भी आसपास देखती हूँ कि रिश्तों की वजह से बहन भाई के रिश्ते टूट जाते हैं. तो मैं कहती हूँ यार इन चीजों से दूर रहें आप, अपना बहन भाई का माँ बाप का रिश्ता नंबर वन प्रायोरिटी रखें. बिल्कुल. और कोई इंटरफेयर ना करे किसी के बच्चों में, क्योंकि आपको नहीं पता वो किस सिचुएशन से गुजर. सो मुश्किल वक्त गुजरा, बट ये ना पिलर की तरह खड़े हुए थे अब्बू, मेरी अम्मी, माय ब्रदर्स, इन्होंने मुझे ऐसे शील्ड किया हुआ था कि यार ऐसी की तैसी चलती रहो. सो नाउ एवरीवन, देखो कभी कभी पेरेंट्स शील्ड बना देते हैं बच्चों के इर्द, कभी बच्चे शील्ड बना देते हैं और हम बने पेरेंट्स के इर्द. मैं शील्ड बनी, क्योंकि देखो हर हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, आपकी जिंदगी में भी आए होंगे. तो जब आपने इसको क्या पाया, मतलब एक होता है ना कभी इंसान का मोराल बड़ा डाउन होता है, तो ये किस तरह आपको बैकअप करती थी, यही सवाल मैं आपसे भी करूँगी. ये तो ये भी करती है, छोटी जो अंजा है मेरी वो भी, इन चारों की नेचर बच्चों की एक जैसी है. ये नहीं कि ये लड़की है मेरे साथ बैठी हुई है तो मैं अभी इसकी तारीफ करूं. चारों मेरे एक ही जैसे वो है, केयरिंग है और बहुत ही अच्छे हैं बच्चे मेरे माशाल्लाह. उनकी तरबियत ऐसी हुई है कि वो घर से आपके काम शुरू होता है कि अगर आपका बेटा या बेटी किसी मुलाजिम को नाम लेके पुकार रहे हैं तो आप फौरन उनको कहें कि ये आपके अंकल हैं जिनको आप मुलाजिम का नाम ले रहे हो, इनको वो समझो किसी रिश्ते की जगह. तो वो जिंदगी भर उसको वही करेंगे, यहाँ से लेके छोटे तक. ये सारे ही माशाल्लाह बहुत अच्छे और मुझसे ज्यादा मान है ये. कभी आपने अपनी परेशानियां इनसे डिस्कस की हैं? हमेशा हमारा फ्रेंडली माहौल है. मैं अपने बेटों से भी कहता हूँ बेटे मुझे बताना जो भी बात है मुझे बताओ. वो फिर मुझे बताते हैं कि ये मसला हो गया, वो हो गया, ये हो गया, आप हल करें उसे. और आप बताएं यहाँ पे क्या कहानी. जिस वक्त शादी के लिए एज शुरू हुई सब लोगों ने कहा नहीं हमने जल्दी कर दी, मैं बड़ी हूँ सबसे, तो फैमिली में दो फैमिलियों में बड़ी हूँ, ननियाल और ददियाल. अच्छा. सब मामू खाला पुप्पुओं को शौक के बस शादी हो जाए, किस तरह हम अलग बुला करें एक फंक्शन हो. और वो वैसे भी बड़ी बेटी है, तो उस वक्त जब प्रपोजल आने शुरू हुए तो सब लोगों ने शुरू शुरू में यही कि ये क्यों इस लाइन में है, अच्छा इसके अलावा और क्या करते हैं, अच्छा इसके अलावा क्या. बहुत ज्यादा रिजेक्शन और वही जो रिश्ता देखने आते थे मेरे साथ तस्वीरें खिंचवा आने तक घर में बैठने तक नहीं पता कि किन के घर हैं. अच्छा आए हैं और फिर अब्बू एंटर तो अच्छा, और उसके बाद तो अल्लाह बेहतर करे जी अल्लाह, और फिर बाद में जी पता लग रहा है जी वो कह रहे अच्छा उनके फादर की लाइन की वजह से ना, घर छोटा की वजह से कुछ ऐसे वह. फिर मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आप टेंशन ना लें, जिसने मुझे लेके जाना उसने मेरे अब्बू की बेटी को ही लेके जाना. क्या बात. वरना मैं मुझे ये नहीं छोड़ना कि वो अब्बू मेरे लिए अपना काम छोड़ दें, अब्बू अब मेरे लिए ये छोड़ दें कि जी वो अगर कहीं किसी वक्त ड्रॉप कर जाते इस शोब से तो आज क्या हम यहाँ बैठे होते. एक सर्टन एक मजबूती के साथ फोकस के साथ अपने काम को ये किया. मैं अब्बू की इन कामों में मतलब कह लें कि जब अब्बू अंकल जानते हैं अच्छी तरह, जब अब्बू
प्रोड्यूस करते थे स्टेज प्लेस, तो मैं इतनी एक्टिवली उनके साथ इंडोर कामों में, जैसे क्योंकि ये रिहर्सल्स घर पर रखते थे तो पार्टीज होती थी, तो मैं बेकिंग कर रही हूँ, मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ, मैं चाय का सामान बना रही हूँ, सैंडविचेस बना रही हूँ, सो घर खुद समोसे बना रही हूँ कि ये मेरे अब्बू का काम है और अब्बू के लिए सपोर्ट कर। जब तक हम अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कोई और नहीं करेगा। 3 o'clock पूरा नीचे का पोर्शन क्लीन्ड और सेटल। उन्होंने डायरेक्शन से शुरू किया था, मेरी जब पहली फिल्म लगनी थी 79 में, मोहम्मद अली साहब जेव देवगन, अल्लाह ताला अली साहब को जन्नत नसीब करे, वो हीरो हीरोइन थे। और किसी डायरेक्टर या एक्टर की पहली फिल्म 6:30 बजे शो ख़त्म होने के बाद पता चलता है कि उसका मुस्तकबिल क्या है। मेरी जिस दिन फिल्म लगनी थी उस दिन भुट्टो साहब वाला केस हो गया हुआ था, तो कोई देखने ही नहीं आया, तो रिजल्ट नहीं निकल सका, तो मुझे फिर लाले पड़ गए, फाके हो गए, किसी ने मुझे फिल्म नहीं दी जी। तो फिर मैंने कहा कि यार ये सलीम नासिर साहब और ये उस्मान पीरज़ादा साहब, ये इलियास नजम साहब, अनवर, ये सब कवि साहब के दफ्तर में बैठते थे, ये जहाँ की बातें करते हैं वहाँ काम तो इज्जत से मिलता है, पैसे बड़ी इज्जत से मिलते हैं, एक जगह चेक मिलता है, दूसरी जगह से ले के बैंक में जमा करवा। तो फिर मैं टीवी पे गया हूँ। अच्छा अच्छा। कि भाई इसका दूध कहाँ से लेकर आऊंगा, कहाँ से उधार मिलेगा, मतलब लाइक उतार चढ़ाव आपने देखे हैं उसको। इसलिए जब ये वाला सिनारियो था घर में, इसलिए जब मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला तो सिर्फ एक मेहमान मेरे साथ आ सकता है उसका था, तो मैंने उनको लिखा PS2 गवर्नर साहब को कि मैं मुझे एक आदमी को और लाने की जरूरत है, किसको, मैंने कहा मैं अपनी बेटी को लाना। फिर ये मेरे साथ, तो मैंने उन्हें कहा, वो गवर्नर साहब मुल्तान के थे, मेरे जानने वाले भी थे और उनसे बहुत अलग से लग रही थी, मैं उनको तो मिलवाओ ना जिंदा, ये मेरी बेटी है जिसकी वजह से मैं आज इस जगह पे। अब मैं जो है ना वीडियो चला रही हूँ आप लोगों की सबकी शादियों की, और ये वो लम्हा होता है कि उस वक्त शायद काम के बर्डन में, सबका रख रखाव करने में, खाना वाना पूछने में, शायद वो नहीं जैसे चोट लगती एकदम उस वक्त दर्द नहीं होता, लेकिन जब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस्म ठंडा होता है फिर पता चलता है कि तकलीफ़ हो रही वो। और ये हर वालिद को मैंने देखा है कि जब बच्ची रुखसत होती है, मेरे अबू भी कह रहे थे कोई नहीं रोएगा कोई नहीं रोएगा, और फिर वो कोने में कहीं खड़े हुए खुद ही रोते हुए नज़र आते हैं। अब बताते रहे कौन कौन है, अच्छा लगेगा। मेरी सिस्टर है ब्लैक में, वो जब अरे पॉज नहीं करें आगे बढ़ाते रहे। हाँ, और वो गोल्डन में अम्मी है, नानू है। अच्छा, ओ कितना मजा आता है ना जब शादी की वीडियो बाद में देख रहे होते हैं। वीडियो चलाते रहे प्लीज जी। ये मेरी मदर है, और ये रेड में अम्मी है मेरी मदर। अच्छा, ओके, तुम बताती रहो देख देख के। साथ मेरी फ्रेंड है एक, ये जो ये हरे दुपट्टे में जी, बेस्ट फ्रेंड इनके ससुर हैं, ये जो सूट में है राइट में। अच्छा, ये ससुर है, वो आप हैं भाई। ओके, ये रुखसती के वक्त की है, ये कुरान पाक उठाया हुआ ना, ये यावर मेरा सब यावर का बेटा है। अच्छा, सब में इन सब में लंबा था ना, इसलिए सारे बच्चों का बचपन आपस में इकट्ठे गुजरा। ये देखें, ये कुरान पाक उसी ने उठाया हुआ। अच्छा, तो कंपोज थे अब्बा रुखसती के वक्त? हाँ, तब तक तो थे, जब जाने लगी थी फिर काम शुरू हुआ। पहली घर में शादी, क्योस मचा होता है, ये रह गया वो रह गया, इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, हॉल वाला, लाइट बंद, फलाना डमाका। ये इनकी सास है, ये मेरी भांजी भी है। अच्छा, ये वाली जो खानदान के अंदर ही हुई। अच्छा, इसकी फैमिली में हुई है, छोटी जो है उसकी बाहर हुई है, मगर वो भी अब फैमिली ही है। बिलाल हयात उसके शौहर का नाम है। अच्छा। और माशाल्लाह वेल ऑफ है वो भी, अपने सुखी हूँ मैं। बेटियों को खुश देख, शुक्र अल्लाह। जब इनकी रुखसती हो गई कितने दिनों बाद आपको थोड़ा करार आया? उसी दिन रात को जब ये चली गई थी फिर मेरा काम शुरू हुआ था, जो आपके अब्बा का हुआ था ना, किसी कोना पकड़ा हुआ था, इसी तरह मैंने एक कमरा पकड़ा हुआ कि चली गई वो। तो ये तो फीलिंग्स अजीब होती है। आपके अब्बू को भी होना चाहिए आदमी घर आता है तो आते ही वाज देता जान कितने। फिर उसके बाद जब बच्ची बड़ी होती तो उसी का नाम लेके रहता, तो मैं घुसते ही कहा करता आप ही, और फिर याद आ जाता सी के आप ही थे अपने घर चली गई। ओके जी, तो चले आइए दिखाते हैं आपको खालिद साहब आपकी
हाँ राबिया की शादी की वीडियो, अब तुम रोना नहीं देखती, जज्बाती बेटी है आपकी। अच्छा भाई चलो राबिया तुम बताती रहो। ये मेरी मेरे हस्बैंड उनकी सिस्टर, ये मेरी जेठानी है। अच्छा ये तारिक अंकल है, उन्होंने रिसीव किया तारिक अजीज अंकल। हाँ और ये ये सब मुझे बेटी इसी तरह, क्योंकि अंकल फखरी की एक ही उनकी बेटी नहीं है, वो मुझे बेटी कह रही है। अभी अशरफ खान अंकल है ये लड़का जो था, ये अशरफ खान, ये एक यासिन मलिक साहब अयूब खावर अंकल। और देखे भी कितनी प्यारी लग रही है ये चोपड़ा। और बहुत से तो वो थे जो अपनी बातों में थे, फिरोज जमाल साहब, मैं तो जोड़ा देख रही हूं, प्रियंका चोपड़ा ने आपके जोड़े की चीटिंग की है। चोपड़ा और इंदिरा गांधी ने आपके जोड़े की चीटिंग की है भाई। ये मेरे बड़े मामू हैं, ये तारिक भट्ट साहब हैं, तारिक भट्ट साहब ही वहां दुबई होते हैं, ये दुबई के पास इंटरनेशनल एम्पायर। छोटी सिस्टर जो आगे हैं, कितनी प्यारा कपल है ना, वीडियोस भी और सेटअप भी देखे ना, बड़ा प्यारा सा। ये मेरी सास है, अल्लाह बख्शे, ये फौत हो गए। ये मेरे हस्बैंड, ये वालदा है मेरी ब्लू में। अच्छा हाँ उस वक्त ठीक है, प्यारे जोड़े हो जाते उस वक्त। ये खालिद भट्ट साहब है, ये जेठ है मेरे इरफान कदीर। अच्छा जेठ को भी भाई, ये जिठानी है इनकी मिसेस, देखें जरा ये जिठानी। इस शादी के लिए मेरी बीवी ने कम से कम 30 kg वजन कम किया। जो सेक्शन पे खड़ी थी तो सारा के किसी भाभी जी कितने मह गया है कि बोल रहा है उस पर कीटो नहीं था, फिर भी थी। क्या बात है, अशद गौर वो मेरी मुमानी है बड़ी, वो मामू है ना बड़े उनकी मिसेस। और कितने पैसे स्पेशल आए थे मेरी शादी दूध पिलाई में, कितने पैसे मिले थे जी उस वक्त दूध पिलाई में, याद है? 10,000 भाई 19 साल पहले से आदमी हुई थी। बहुत बड़ी बात है। और क्या महंगाई के जमाने में बहुत, हाँ रुखसती दिखाए भाई, ब्यूटीफुल शादी, बहुत प्यारी। ले ओ यावर साहब आपके शो में आ चुका है, ये मेरी बहन है राशिदा, और ये इस वक्त शो जरूर देख रही होगी। अरे अब्बा शरारा पकड़ ले, दिस इज सुपर क्यूट। तो ये इनका क्या आलम था उस वक्त, तो ये शुरू मैं भी यही करती हूँ, मुझे किसी की रुखसती नजर आती है मुझे पता नहीं क्यों रोना आ जाता है। आई नो ये सब शादी की वीडियो चलती है घर में, और जब ये रुखसती वाला सीन आता है तो ये उफ, ओ मुझे तो जब मेरी नई नई शादी थी दूसरों की भी रुखसती देख कर रोना। एग्जैक्टली यही अभी मेरी नंद की शादी हुई है, तो हम सब घर में बैठ कर उसकी शादी की वीडियो देख कर रो रहे हैं। अच्छा अब रिवर्स करके चला देती है। वापस घर आ रही है। रिमाइंड कर दो। माशाल्लाह अल्लाह। मेरी अपनी 17 इयर्स की बेटी है, लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है बहुत। आई नो बहुत सी ऐसी बातें उसकी वैल्यू उसने मरियम ने आके कम की है। क्योंकि औलाद की औलाद जो है वो प्रॉफिट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, फिर वक्फे के बाद ये जो एक और रोतड़ी बैठी है ना हमारे पास, जज्बाती लड़की, अभी हमने उनके साथ भी रोना है। मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सेलिब्रिटीज अपनी बेटियों के साथ, सेलिब्रिटी अपने अब्बा के साथ यहाँ हमारे शो पे मौजूद है, और बड़ी रिलेटेबल बातें ना, सब जो सुन रहे होंगे वो कहेंगे हम भी अपने अब्बू को ऐसे ही करते, हम भी अपनी बेटी के लिए ऐसे ही सोचते। तो सोचते ये वाली बातें इंटरनेशनल है, मुझे लगता है हर बाप और बेटी के बीच में इसी तरह का है। सारी माँ के साथ तो रिलेशनशिप थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बाप और बेटी का रिलेशनशिप ना ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है बिल्कुल। सो अब हम राबिया की शादी की वीडियो जो है वो दिखा रहे हैं। शादी का जो एक इवेंट था, काफी बड़ा एक इवेंट हमने एक ही रखा था, वलीमा और बराते हमने एक ही इवेंट बड़ा रखा था। इसने कुछ आपको भी करने दी है तैयारी, आप खुद ही की सब? नहीं मैंने ये सारी तैयारियां मैंने ही करवाई। मेन्यू जो खाने का था, दानिश भाई कहते हैं ना, दानिश नमाज, वो कहते हैं भाई मैंने जिंदगी में इतना अच्छा खाना किसी की शादी का नहीं खाया। आपके जो उबैद की जो खाला है, दानिश भाई और यासिर भाई, उनसे ही पढ़े स्कूल में, तो वो ऐसा हुआ था वो आके कह रहे हैं आप ये तुम्हें टीचर है, ये कौन है तुम्हारे? तो बड़ा अच्छा एक बन गया। ओ ये जबरदस्त भाई, ये सारी मॉडर्न शादी है जो प्यार कर रही है मेरे पीछे। नन जिसकी अभी शादी हुई है सुनैला की,
और ये जी बारात बड़े धूमधाम से ये लोग लेकर आए थे, सिंधी फैमिली है और माशाल्लाह मेरे जो ससुर साहब ने एक्सट्रीमली सिंधी फैमिली है, सिंधी है। अच्छा सो लेकिन बाकी ये मामू है ये किसके मामू है? ये उबैद के मामू है। ओए क्यों? ये जो सामने ब्लू कोट में ये सिंधियों में बहुत होता है, जब बहू आती है बेटे की शादी होती है सब नाच रहे। अच्छा ये बहुत मेरी मतलब पहले निकाह हुआ था ना, तो निकाह के बाद भी एक बहुत बड़ी दावत थी, वो भी इसी तरह की थी। अच्छा मेहंदी भी माशाल्लाह इस तरह से हुई और फिर ये एक हमने उधर चल रही है, उधर की मेरी अम्मी है, ये सास है पीछे जो है। हाँ, और ये आपका जोड़ा है। सुख कहाँ से आप तैयार हुई थी? मैं अपने सैलून से, क्योंकि सुख सैलून शुरू हो चुका था। और जोड़ा किसका पहना हुआ है? जोड़ा मैंने एक लोकल डिजाइनर थे उनसे लिया था। उबैद के कपड़े वगैरह सब मैं सब कुछ मैंने किया था। हाँ। हॉल से लेके निदा खाना एवरीथिंग अब्बू डिसाइडेड। अच्छा। और खुद जाकर बुकिंग करवाई, हर चीज को टेस्ट करके कि हाँ ये रखना है ये नहीं रखना। होए 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 मटन पका हुआ हो तो मटन की चांपे अब्बू ने रखवाई थी, ऐसी वो लजीज थी कि अभी वो तुम्हारी फोटो शूट आ रहा है, तुम चांपों की बात कर रही हो यहां, इतना रोमांटिक फोटो शूट आ रहा है। चांपों की भाई और भाभी हैं मेरे, ये छोटे भाई भाभी हैं, अम्मी अब्बू दोनों बैठे हैं, ये मेरी हमारी पूरी फैमिली माशाल्लाह। मेरी नंद है, जल्दी जल्दी क्यों भगा रही हो? ये पीछे मेरी सास की दो बेस्ट फ्रेंड्स है, हुमैरा आंटी और सरवत आंटी, मेरी सास की बेस्टीज हैं, दोनों मेरी नंदे हैं लेफ्ट पे, वरदा एंड सुनैला। अच्छा पूरी फैमिली खूबसूरत है ना माशाल्लाह। वरदा की माशाल्लाह शादी मुझसे पहले हुई थी और सुनैला की अभी शादी हुई है, 2 months हो गए। अच्छा अभी रिसेंटली सुनैला की शादी हुई है। वाओ तो अभी आजकल हम सुनैला की वीडियोस देखकर रो रहे होते हैं। अच्छा इकलौते बेटे हैं आपके हस्बैंड? एक और है, उमेर भी हैं, और उमेर की भी माशाल्लाह आप शादी होने वाली है, तो अब उसकी तैयारियां हैं, लाइन से हम शादी वाला घर। सो अच्छा हां आगे बढ़ाएं तस्वीरें। ओके ये सारा सेटअप भी देखे ना, आपकी मेहनत है भाई, ये पूरा स्टेज का पीछे ये फ्रेमिंग और सब एक एक चीज हमने बैठ के प्लान की थी कि भाई ऐसे होना चाहिए। तो वो बड़ा एक मेहनत की थी हमने। कहाँ रुखसती वाले कहाँ है सिनेरियो? हमारी टीम फॉरवर्ड करी आगे तो वही रिपीट हो रहा है शॉट, रुखसती वाला है मिला कि नहीं? ना पड़े है? हम रोल ना पड़े दोबारा कहाँ है रुखसती? ये रुखसती है? नहीं नहीं ये तो हम स्टेज की तरफ जा रहे हैं। हाँ बाबू रुखसती ढूंढ रहे हैं, ये आ गई रुखसती, पहले क्यों नहीं ढूंढ, ये ये मिल गई रुखसती। बहुत रोई थी मैं रुखसती। हाँ ये अलग बात है कि मैं रोज अपने घर जाती हूँ अम्मी अब्बू से मिलने, क्योंकि सैलून और अम्मी का घर बिल्कुल करीब करीब करीब, तो मैं एक जरा चक्कर लगा के फिर निकल। लेकिन ये लम्बा ही ऐसा होता है भाई, मेरी अम्मी ने बड़ी, ये मेरे भाई हैं। हाँ भाभी एक पीछे रो रही हैं, ये मेरे ससुर एक तरफ और एक तरफ उबैद हैं। गाड़ी में बैठ के भी हम काफी देर रोए और ये उबैद मुझे चुप करा रहा। ये कहाँ छुपे हुए? अब्बू कहाँ चले गए थे? अब्बू गए थे, अब्बू बहुत कंपोज थे, इस तरह नहीं रोए धोए। जी जी ये लड़के के वाले साथ हमारे अब्बू खुद भी रो रहे हैं और मुझे चुप कर रोना नहीं। अच्छा मुझे सैलून से ना खुद रो रहे हैं, सैलून से जब हॉल गए थे तो अब्बू ने पिक किया था, तो मुझे उस वक्त भी बड़ा मैं इमोशनल हुई थी, तो अब्बू बड़े मजे की आगे जो है ना बैठ के बातें कर रहे थे, मैंने कहा अब्बू ये तो नहीं कहेंगे कि अब उस घर से जनाजा उठा जाए, लेकिन तुमने जिस तरह हमारा ख्याल रखा है उसी तरह तुमने उस घर का भी ख्याल रखा है, उसी तरह तुमने, ये मेरा बेटा है और अब्बू बड़े इसकी साइड लेता है, उबैद बड़ा लाडला है मेरे घर में, अम्मी भी और अब्बू भी दोनों बड़ा प्यार करते हैं उबैद से, ही इज ऑल्सो वेरी लविंग एंड सो रिस्पेक्टफुल। मुझे लगता है दामाद अगर ससुर की और सास की इज्जत करने वाला हो ना तो वैसी आधी आपकी खुशी होगी। बिल्कुल सबसे बड़ी बात, जितने दामाद सुन रहे हैं ना तो अपने सास ससुर की वैसी इज्जत करें, दामाद के अलावा जितनी भी माएं सुन रही हैं वो अपने बेटों को कब ब्रॉटअप ही ऐसा करें। अच्छा मेरी सास को मैं रिस्पेक्टफुल वो सैल्यूट करती हूँ निदा, कि उन्होंने अपने बच्चों का इतना बेहतरीन ब्रॉटअप किया। मेरा देवर भी माशाल्लाह उमेर और उबैद वो इतने रिस्पेक्टफुल इतने हम्बल है, मैंने कभी उनको कभी भी आज तक टिल डेट मैंने उनको बदतमीजी करते नहीं देखा। कोई बहुत अच्छा काम किया ना जो तुम ससुराल में गई हो, अम्मा अब्बा का ख्याल रखा है, उनका मान रखा है, सो ये तभी तो लड़कियों को ये तोहफे के तौर पे मिलती है ना ये चीज अल्लाह की तरफ से। मेरी तो अम्मी कहती है कि जो मेरा ड्रीम था ना कि मेरा दामाद ऐसा हो, अल्लाह ने मुझे एग्जैक्टली वैसा दामाद। माशाल्लाह। अच्छा देखिए भाई हर इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला और सब में कोई ना कोई गलतियां होती है, अब आप
तीनों फादर्स को जो है ना वो अपनी बेटियों की गलती पहचाननी है हमें, हमने यहाँ पे और तीनों बेटियों ने अपने अब्बा की गलती पहचानी। अच्छा, okay. तो हमने स्क्रीन पे दिखाओ भाई मेरी टीम, हमने स्क्रीन पे किसी बेटी ने कहा है मैं गुस्से की बहुत क्या मैं गुस्सा बहुत करती हूँ। अब ये किसकी बेटी ने कहा होगा, ये अब अब्बाओं से सवाल है। तीनों बेटियों में से किसी एक बेटी ने हमें बताया है कौन अब्बा ये तस्लीम करते कि मेरी बेटी गुस्से की बहुत, हो सकता है अब्बा गुनाह करती हूँ वैसे करती हूँ वो जो भी बेटी हूँ। तीनों इस बात पे मुत्तफिक होंगे, माशाल्लाह तीनों ही एक जैसी लग रही हैं। कोई ये कहे कि मुझे गुस्सा नहीं आता, ये झूठ होगा सबसे बड़ा। अच्छा साहब, गुस्से में कोई घर की आपकी कीमती चीज कभी टूटी है? तोड़ के छुपा दी गई होगी जो हमारी नजर नहीं पड़ी, तोड़ी तो जरूर होगी क्योंकि ये आप कुछ कहेंगे इसके ऊपर, कोई गुस्से में आपके यहाँ कुछ ऐसा हंगामा हुआ है? नहीं, गुस्सा तो एक नेचुरल चीज है, आता है बेटी को। कोई गलत चीज हो जाए तो उसको भी आता है गुस्सा, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आता है। अच्छा, बट मैं बिल्कुल मुझे अभी तुमसे नहीं सवाल, आगे तुम बाद में बताओगी। अब्बा की, हाँ अब आप बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में। हमने उसे खुद मौका दिया कि वो तोड़े, उसने इतनी कीमती चीज तोड़ी है कि वो जो हमारा घर छोड़ के अपने घर चली गई। हाय हाय, फिल्मी डायलॉग इसे कभी कभी फिल्मों का प्रोड्यूसर जाग गया। एक एक एक, एक दफा उसने ऐसा किया, ये छोटी सी दूसरी तीसरी जमात में तो मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी, मैं इसे टैंकी पे बिठा के तो फिर ज्यादा तो मैं गाता था एक लाइन ये गाती, हम दोनों मिल के कागज के दिल के चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा। वाह भाई, अच्छा अब एक दिन नहीं गुस्से के बारे में बताएं। इस दिन रात को स्टेज पे एक खातून थी, उन्होंने मेरे साथ जाना था वो चिरागा का मेला देखने, ये साथ थी इसलिए कि मैंने भी जाना है। कारा के उन्हें दस देता है, हाँ। तो इससे ज्यादा तोड़ क्या तोड़ेगा ये सर तोड़वाने की तो आप तीनों को क्या लग, किस बेटी ने बोला होगा कि मैं गुस्सा बहुत करती हूँ? एक ड्रामा स्टेज कर रहा था मैं, हाँ। ये भी थे मैं भी था, हाँ। उसमें मेरी बीवियां दो बनी हुई थी। अच्छा। एक ही तरह मेरी खातून थी, हाँ। एक बिंदिया। अच्छा। तो जिस दिन मेरी वाइफ आई ड्रामा देखने, ये साथ थी, अच्छा, वो मुझे पकड़ती हैं और मारती हैं, वो कहती है कि ये मेरा शौहर है, वो कहती मेरा शौहर। तो वो हो रहा था ये सब, तो मैंने कहा यार आज खुदा का खौफ करो क्योंकि आज असली और तीसरी भी आई हुई है बैठी हुई है। तो ये उठ के स्टेज के पास आ गई और कहती है छोड़े मेरे पापा को। ओह माय गॉड, क्या कर रही हैं आप मेरे पापा? ओ यार ड्रामा ही खराब कर दिया, ड्रामा सारा चंगी रही है जे इसका गुस्सा मेरा। ओह माय गॉड, बताएं भाई कौन कबूलेगा कि किसकी बेटी गुस्सा करती है? कि कोई कोई बाप नहीं है कहने वाली है। मैं ससुराल वाली थोड़ी हूँ मैं तो मैके वाली हूँ, मुझे बता सकते हैं? इसका गुस्सा तो बड़े मौके पे मैंने देखा हुआ, अब मैं डिस्कस नहीं कर रहा। मेरे घर से कॉल आ जाएगी इसलिए अब जल्दी बता दे उन्होंने बताना शुरू कर दिया। ये वाली नहीं, ये दुनिया भर का सारा गुस्सा जो छोटी वाली जो है ना, उसके पास हकूक हासिल है। लेकिन ये वाली अब बताएं जरा कौन सी बेटी है, किसने बताया? मेरी टीम, आपकी बेटी ने ही ये देखे, आपकी बेटी ने ये बताया कि मैं गुस्सा करती हूँ। जिनके सामने हो नहीं सकता वो वाला गुस्सा। दिखाओ भाई अगला क्या है, अगला दिखाओ। अब्बू ठीक है, मैं जब बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ तो जोर से खराटे लेता हूँ, ये काम किसके अब्बू करते हैं? अब्बू ने हाथ उठाएंगे, ये बेटियां हाथ उठाएंगे। मेरे अब्बू जोर से, जैसे सारे इज्तमाई अब्बू खराटे लेते हैं, वो भी ये भी क्या क्या, मेरी अम्मी भी उतनी जोर से खराटे लेती है। अब मेरी नवासी जो है वो नहीं सोती, नाना खराटे बहुत लेती है। मेरी बेटी भी ये कहती है, हमारा नानी नाना बहुत जोर से खू 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 करते हैं। तो मैं वाइफ से यही कहता हूँ कि मैं जब सो जाऊँ ना उसके बाद आप सोना, आपके खराटों में मुझे नींद नहीं आती। बड़े सिंक्रोनाइज खराटे होते हैं, एक कहता दूसरा कहता, तो वो ना दोनों के बिल्कुल सिंक्रोनाइज बना होता है।
मैं बिल्कुल शादी तक अम्मी अबू और मैं एक रूम में सोते थे, मतलब लिटरली वन डे बिफोर शादी तक हम साथ सोते थे. अभी तो आदत है. तो मैं तो हैंड्स फ्री सुबह मैंने खबरें पढ़नी होती थी, मैं कहती थी अल्लाह मुझे बचा ले, तो मैं हैंड्स फ्री लगाती थी और फिर दोनों के जो खराटे नॉन स्टॉप शुरू होते थे. ओह, लेकिन तो आपको लगता है ये आपके अब्बू की कहानी है? ये मेरे अब्बू की कहानी है. 100% चाहिए जवाब. दुरुस्त है, बिल्कुल सही जवाब. आप लोग के अब्बू खराटे नहीं लेते? हमारे अब्बू भी लेते हैं, लेकिन बताना भूल गए. वेरिएबल है, बर्दाश्त आपके बहुत सब लेते हैं. मेरे अब्बू तो ऐसे खराटे लेते हैं कि जैसे डॉगीज की फाइट हो रही है आपस में, ड्रोने खराटे. बहुत डर लगता है. और वो तो ऐसे जैसे बैठे हुए ना थोड़ी देर, यहाँ शो पे आएंगे, ब्रेक मिलेगा 5 मिनट के लिए, खराटे हो जाएंगे. तो मेरी अम्मा, मेरी अम्मा फेशियल आपको तो पता होता है, जरा ऐसे वक्त में आए जब कोई और कस्टमर ना हो, क्योंकि कस्टमर शिकायत करते हैं कि यार ये कौन है जो खराटे ले रहा है. मेरी अम्मा फेशियल के बीच में जोर जोर से खराटे लेती है. नो नॉइस वाला जो हमारा रूल है वो खुद तोड़ती है मां मेरी. देखा भाई बेटी. अच्छा जी, मैं संजीदा बातचीत के दरमियान भी हंस देती हूँ. ये किस बेटी ने कहा होगा, आपको क्या लगता है? ये मेरी बेटी ने कहा कि संजीदा बात होती है. मुझे लगता है कि तो उसमें भी हंस देती है. हंस देती है. दिखाओ भाई टीम. बिल्कुल सही जवाब. मैं बिजली का बिल देखकर घबरा जाया करता था. नहीं, मैं घबरा जाता हूँ. अल्लाह, ये तो नहीं कह रहे आप. नहीं है, नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप सिचुएशन ऐसी हो गई, सबके लिए सब घबरा जाते. अच्छा जी, ये किसके अब्बू ने कहा होगा कि मैं बिजली का बिल देखकर घबरा जाया करता था? मेरे अब्बू. चलो भाई, हैं क्या होता था, किस्सा सुनाओ जरा तुम. ये जब बिजली का बिल आता, बिजली का बिल देखा और पारा ऊपर, हाँ, कुछ भी नहीं समझ आ रही कि ये है वो. मैं कमा के थक जाना है. तुम लोग छुप जाते थे? तुम लोग क्या करते? मैं उसी दिन मैं पूरे घर में ही नहीं हूँ. मैं नीचे उतरी ही नहीं कमरे में से, कि अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई कि जिस दिन अब्बू चले जाएं, कोई फोन आ जाए, कोई कॉल आ जाए, माय गॉड अब्बू चले जाएं, बुला लें. रिकॉर्डिंग वाले आज किधर रह गए, किधर बुला लें. आप बताएं, अब तो जो हाल है पूरा पाकिस्तान यही सोच. एक बिल लेके आया भी करती थी. हाँ जी, वो गैस का बिल होता था 150-200. वो मैं स्पेशल देती हूँ. अब जी ये भी गैस का बिल आया. अब जी ये गैस का, तो ये खुशी का आलम. यहाँ पे अगर बिल आते तो यहाँ क्या कहानी होती है? चुप करके जाके जमा करा. घर की कहानी, घर का क्या, चुप करके जमा करा. जान तो छोड़ते नहीं. आप ठीक भी कराने जाएं तो वो कहते हैं पहले जमा कराएं, हाँ, फिर इसको देखते हैं. हाँ. तो जब करा ही आया तो फिर क्या देखोगे भाई. और इधर क्या होता था राबिया? अच्छा, अब्बू ने तो कभी हमें इस तरह फोन के बिल पे फोन नंबर्स चेक करते थे, किस किस को कॉल गई है, ये 10 मिनट की मोबाइल कॉल किसको फोन मिला. लेकिन बिजली के बिल पे ऐसा नहीं होता था. मेरे अब्बा आज तक सबके भाई बिजली के बिल भरते हैं, चाहे मेरे कोई भी भाई हो. अब्बू कहते मैं कर दूंगा. लेकिन मेरे अब्बा तो ऐसे खतरनाक हैं बिजली के बिलों के मामले में, कि हमने किराएदार को रखा था, उससे फड्डा इस बात पे हुआ कि उसने कोशिश की कि वो बिजली चोरी करे, और हमें पता चल गया. कुंडा उंडा लगा. अब्बू ने कहा निकलो बाहर, तुमने बिजली चोरी कैसे की. तो ये तो बहुत के इलेक्ट्रिक के हामी होना सपोर्टर. बिल्कुल सही है. 52 साल हो गए मुझे मुल्तान से लाहौर आए, हमने कभी एक यूनिट की भी गड़बड़ नहीं की कि वो पैसे बचा के मेरे बच्चों के इलाज पे. अब या उसमें ये हलाल और हराम की जो है लाइन इसको. हाँ, लेकिन हलाल और हराम सिर्फ रिश्वत नहीं है, एक्चुअली ये भी है. अब तीन महीने से ये हो रहा है जो हम बिजली के बिल पे कर रहे हैं, वो दो मीटर वो कहीं और का हलाल हो रहा है. वो अपना जवाब देंगे. दो मीटर करवा लिए हुए, ये बेईमानी कह रहे हैं आप. दो मीटर करवा लिए कि भाई थोड़ा स्लैब कम होगा. मेरा छोटा बेटा, उसकी बेगम ऊपर रहती है. लेकिन अब तीसरा महीना है कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो कहता है मुझे ये ना सुनाया करें कितने का बिल आया है, बिल भेज दे. वो अपने दोस्त को कहता है, वो वहीं से दुबई से ही वो बिल वो अदा ऑनलाइन बिल पे कर. आजकल मैं बहुत बाहर के मौसम में. क्या ये भाई नेक्स्ट क्या है? वही है बेटी, मैं वक्त पर खाना नहीं खाती थी, जिस पर घर वाले बहुत डांटा करते थे. ये किसकी बेटी है? अब्बास बताएं, अब्बास. ये किसकी बेटी है? मैं वक्त पर खाना नहीं खाती थी और इसकी वजह से बहुत डांट पिटती थी भाई मुझे.
सोच रहे हैं मेरे ख्याल में बेटी तो मेरी हाँ नहीं खाती थी खाना ये खाना अभी भी नहीं खाती है घर पे टाइम पे खाना नहीं खाती है ये अच्छा। अपने घर पे भी नहीं खाती है और यहाँ पे हमारे घर पे भी नहीं खाती तो क्यों ये आ गई तस्वीर तस्वीर आ गई हम तो कश्मीरी हम तो पैदा ही खाने के लिए मेरा हमने तो हमेशा ये रहा है ना मेरी न्यूज की शिफ्ट होती थी तो कभी अर्ली मॉर्निंग होती थी तो उसके बाद टाइम नहीं था टाइम टेबल नहीं मेरा हमेशा ना वो चेंज होता रहता था साइकिल हाँ तो अभी भी मेरा ये डाइट का बहुत मेजर है मैं किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाती हूँ तो कहती है सबसे मसला तुम्हारा है कि तुम ये बेवक्त खाती हो बिल्कुल ठीक है सो अम्मी डांटती थी बकायदा फोन करके कि खुदा का वास्ता खाना खा लो या घर पे डांट तो मैं कभी भी टाइम पे नहीं खाना खा हां बहुत डांट ओके नेक्स्ट भाई नेक्स्ट क्या अब्बू ओके मेरी वक्त की पाबंदी दूसरों को पसंद नहीं आती किसके अब्बू हैं ये मेरे अब्बू हैं हाँ टाइम से पहले शादी में सबसे पहले पहुंचे सबसे पहले दूल्हा दुल्हन है बहुत सी वलीमे हमने दूल्हा को उठाया भाई उठ जाओ अब आपका वलीमा हम आ गए हैं मेरे अब्बू का भी वैसे ही है बहुत सलीम शेख की शादी में मैं थिएटर कर रहा था मैंने कहा कि 9:45 चला जाऊंगा फिर वापसी में आके फिर इनको ले लूंगा हाँ। तो मैंने तो इनको 7:30 पहुंचा दिया वहाँ भी शाम में आने लग रहे थे ऐसे बहुत से उस दिन मेरी बेटी की बर्थडे थी तो अम्मा को इन्होंने कहा कि तुम लोग जल्दी चले जाओ हम आ रहे हैं पीछे से हाँ। तो वो अब हमारी गाड़ी तो इस तरह है ना कि भाई वो दो गाड़ियां ही जानी होती है क्योंकि माशाल्लाह मेरे अब्बू की फैमिली बड़ी है सो वो अम्मी पहुंच गई जब अम्मी पहुंची तो मैं खुद नहीं थी घर पे मैं तो सैलून पे थी तो अम्मी कहती है तुम्हारे अब्बा ना हमें कुर्सियां सेट करवाने के लिए भेजते हैं हर जगह मुझे फोन भी किया था मुझे फोन भी किया था आपने 5:30 का टाइम था हमें भिजवा तो दिया है 6:30 लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है यहाँ तो बेटी भी नहीं है हमारी तो मैंने कहा इसका मतलब हम आराम से हैं बोला आप आराम से हैं मतलब ही इज वेरी पंचुअल वेरी तो ये दिखाएं भाई किसके अब्बू हैं ये यहाँ दोनों थे अशरफ साहब भी थे इनको भी टाइम की पाबंदी की प्रॉब्लम है प्रॉब्लम मैं कह रही हूँ प्रॉब्लम है अच्छी बात है हमारी ट्रेनिंग जो हुई है वो वक्त वो आ गए वक्त की पाबंदी अच्छा ये आप भी थे हमें कई जगह पे शर्मिंदगी होती है कि वक्त की पाबंदी क्यों की हमने वहाँ पछताते हैं जाके क्योंकि उसी तरह बैठना पड़ता है कि वो टहलते हुए आ रहे हैं और फिर वो आ रहे अरे आप कब से आए वो घर वालों को कभी खान साहब अच्छा खान साहब और मैं हमने देखा कि हमारा तो फील्ड में चलो राउंड लगा के आते जब तक थोड़ा रश हो जाए इतना मुझे इनसे मजा आ रहा है तीन आदमियों की तो मिसाल लाहौर में दी जाती है जो मर्जी हमें चैलेंज कर ले कभी खान साहब अशरफ खान साहब खालिद भट्ट साहब और डराते हैं कल सवेरे भट्ट साहब ने रिकॉर्डिंग का वक्त पहुंच जाएगा टीवी की हिस्ट्री में ये हिस्ट्री है कि जिस एक इनका एक ड्रामा था उनको इन्होंने मेकअप मैन 9:00 शार्प पहुंचा कि खालिद भट्ट साहब का वो है शूट है तो फिर प्ले है तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके बड़ा मजा आया एक वो नहीं रिफ्रेश हो गए पूरे दिन के लिए एक ऐसी एनर्जी और फ्यूल आ गया है इन बातों की वजह से आपका शो सॉरी कथा कलामी हो रही है एक फिल्म लगी आज मुझे शो नहीं लगा इसमें कॉमेडी भी थी इसमें ड्रामा भी था सारे मसाले इसमें मैं जाते जाते ये नहीं कि मैंने दुबई जाना है नहीं वो दुबई है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ लेकिन खुदा की कसम मेरे बच्चों की सारी अच्छी आदत और उनका उनकी तालीम सब कुछ जो है ना वो इनकी माँ की वजह से है क्योंकि मैं तो सारा दिन चक्कर कमाने के चक्कर में भाग दौड़ में रहता था वो छोड़ के आती थी हामिद राना साहब की बेगम जो है वो बच्चों को स्कूल से लेके आती थी हम करीब करीब रहते थे तो ये जो कुछ भी ट्रेनिंग है बेसिकली उनकी है मैंने तो प्यार किया प्यार में ट्रेनिंग नहीं है सारे अब्बा यही करते हैं कुछ अब्बा जो हैं वो अपने बच्चों को यूं बढ़ते हुए देखते हैं क्योंकि वो उनके लिए ही कमाने जा रहे होते हैं जाहिर है अगर बाप नहीं कमाएगा तो हाईली एजुकेटेड किस तरह बनाएगा बच्चों को तो वो सारी चीजें बीवी को सपोर्ट भी हाँ। जो माँ ने आपको जिस तरह रखना होता है ना वो हाँ। भी एक बाप की तरफ से एक प्यार मोहब्बत और अप्रिसिएशन होती है कि माँ और तगड़ी हो जाती है कि अब तो मैं और संभालू बिल्कुल थैंक यू कि आपने माँ बेटी वाला शो तो हम बहुत देखते हैं लेकिन जो बाप बेटियों वाला शो है ना उसके लिए थैंक यू आप लोगों का शुक्रिया आपके बुलाने का शुक्रिया आप लोगों के आने का शुक्रिया एक छोटा सा वक्फा जी वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान
वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. बड़े दिनों बाद मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे सेलिब्रिटी से करवा रही हूँ जो आज एक बहुत ही डिफरेंट काम के लिए यहाँ मौजूद हैं. अक्सर आप उनको मुझे इंटरव्यूज लेते हुए देखते होंगे, लेकिन आज एक बहुत अच्छे कॉज के लिए यहाँ मौजूद हैं और मैं उन्हें यहाँ वेलकम करती हूँ. फाखिर महमूद हमारे साथ. कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. अस्सलाम सारे नाज़रीन. मैंने देखा हमेशा से आप हर अच्छे काम में आगे आगे रहे और स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बिल्कुल कोशिश तो वैसे ही जैसे आपकी पर्सनालिटी है. मैं चाहती हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दें कि इस दफ़ा आप किस अच्छे काम में आगे आगे नज़र आ रहे हैं. देखें जो हम म्यूज़िक बनाते हैं वो भी बड़ा अच्छा काम है. बिल्कुल कौम को खुश करते हैं, ग़िज़ा कौम को खुश भी करते हैं, कौम को मोटिवेट करने की कोशिश भी करते हैं. सैलाब के ऊपर अब मज़ीद कुछ कहना कोई फ़ायदा नहीं है. सबको पता है कि क्या हम करने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने साथ तीन चार और ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी की हैं जिसमें पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी काफ़ी है. ठीक है. एक माइनॉरिटी वुमेन ऑफ अमेरिका है. हाँ. एक साउथ एशियन स्पोर्ट्स नेटवर्क है और एक साउथ एशियन एडवाइजरी बोर्ड है. ओके. ये मिल के कर क्या रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. देखें ऑन ग्राउंड इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं जज्बे से सरशार, वो जाके मेडिकल सप्लाइज भी दे रहे हैं, तंबू भी दे रहे हैं, खाने पीने की अशिया भी दे रहे हैं. पूरी कौम कोशिश कर रही है. लेकिन हमने ये सोचा और बल्कि पाकिस्तानी सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने ये सोचा कि क्यों ना जहाँ जहाँ से पानी अब उतर रहा है और ज़मीन खुश्क हो रही है और जिन लोगों के घर गिर गए हैं उनको टेम्प्ररी सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, उनको मुतबादल घर बना के दिया जाए. अच्छा. अब लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़ रहे कि वहाँ पे करोड़ों रुपए होंगे तो फिर कॉन्क्रीट आएगी, बजरी आएगी, सर्दी आ जाएगी ना, इतनी जल्दी तो नहीं बनेगा सब कुछ. अब हम बिल्कुल सिंपल सिंपल सोल्यूशन पे जा रहे हैं. हम ये कर रहे हैं कि जिस मालिक मकान का अपना घर गिरा है, अच्छा, उसके पास इंजीनियर्स की टीम जाएगी, ठीक है, उसको दो टोकन देगी. वो पहले तो अपनी मिल्कियत बताएगा उसकी जमीन जो थी, उसके बाद उस टोकन के साथ उसको एक खुदाल और कंक्रीट दे के चले जाएंगे और इंजीनियर्स पॉइंट आउट करेंगे कि चार जगह जहाँ पे होल्स होने हैं. हाँ. वहाँ पे सुराख करके उनके अंदर जो मालिक मकान खुद है जिसका घर गिरा है वो वहाँ पे उस खुदाल से और कंक्रीट भर देगा. ठीक है. तीन दिन तक उसको वो पानी देगा, उसको पक्का करेगा, तगड़ा करेगा. सही. तीन दिन के बाद टीम दोबारा आएगी, उससे दूसरा टोकन वापस लेगी. हाँ. और वहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना देगी. और ये कितने तीन दिन के अंदर खड़ा हो जाता है? ये स्ट्रक्चर जो है ये प्रीफैब है जिसके अंदर मेटल का फ्रेम ऑन स्क्रीन भी आप दिखा रहे हैं ताकि लोगों को समझ आए. मेटल का फ्रेम है. हाँ. इसके ऊपर दूसरा पूरा टेंट है मोटा जिसके ऊपर ऐसे केमिकल से ट्रीटमेंट है जो कि किसी भी हार्श वेदर कंडीशन को लास्ट करेगा. यानी लोग अंदर सर्दी से ठहरेंगे नहीं. ओके. और गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त करेगा और ये चार से पाँच साल निकालेगा. अच्छा. और ये बालाकोट में भी इसका तजुर्बा हुआ था और ये काफी चले थे. अच्छा. और ये 10 फुट बाय 12 फुट इसकी पैमाइश है. अच्छा. 6.5 फुट इसकी हाइट है. इसके अंदर दरिया डाल के देंगे. ओके. और 5 गैलन का पानी का डिस्पेंसर अंदर देंगे. अच्छा. 7 मस्कीटो नेट्स देंगे और ये पूरी लागत होगी $250 एक घर, एक ये सब चीज़ों समेत. हाँ, और ये कंक्रीट समेत और ये जो कि 5 साल कम से कम चलना चाहिए ये इसकी $250 की इसकी लागत होगी. ओके. अच्छा. इसके अंदर मज़े की बात ये है कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जिसे कहते हैं कि सर जो ऊपर अखराजात लगते हैं, NGOs बड़ा अच्छा काम कर रही हैं लेकिन उनकी तनख्वाहें भी होती हैं. हाँ. पेट्रोल भी होता है, गाड़ियाँ भी होती हैं, सेलफोन भी चाहिए होते हैं, सब कुछ होता है. हमने ये सब माइनस कर दिया है. ओके. अब होगा ये कि रोटरी क्लब जो है जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके दुनिया भर में दफातर हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप उनका सब कुछ है, वो पैसे इकट्ठे करेगी. ओके. वही पैसे खर्चेगी. अच्छा. पैसे का जो खेल है रोटरी क्लब के पास है. तो हम हमारे बैंड जो चल रहे हैं उसमें रोटरी क्लब का नाम आ रहा है कि वहाँ लोग बिल्कुल जमा करा सकते हैं पैसे. इस वक्त पाकिस्तान में हमें उनसे पैसों की पाकिस्तानियों से पैसों की जरूरत नहीं है. ये पाकिस्तानी सोसाइटी ऑफ अमेरिका और ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं रोटरी क्लब से मिलके जो वहाँ के लोकल चैप्टर है न्यूयॉर्क में. ओके. अब 25 सितंबर को शाम 7 बजे रॉयल पाम बैंक्वेट हॉल फार्मिंगडेल न्यूयॉर्क में हम इवेंट करेंगे. हाँ. और ये डिनर होगा जिसके अंदर, अच्छा मैं जो बता रहा था आपको, मेन बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सारी कट हो गई. सारे लोग अपने वसाइल लगा रहे हैं. अब मैं जो अमेरिका जाके इसको होस्ट करूंगा प्रोग्राम को, मैं अपनी टिकट खुद ले रहा हूँ. मैं वहाँ पे जाके जिस होटल में रुकूंगा उसके पैसे कोई और देगा वॉलंटियर.
जिस रॉयल पाम बैंक्वेट हॉल में ये इवेंट हो रहा है उसने उसके ओनर ने फ्री कर दिया है। अच्छा शाहीन रेस्टोरेंट है वहाँ पे जिसने पूरे की पूरी केटरिंग फ्री कर दी है। तो सब अपने वसाइल लगा रहे हैं, अपने मोबाइल फोन लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपना खर्चा, अपनी अपना टाइम। देखिए ये भी एक तरह की हेल्प करने का तरीका है, कार है ना? बिल्कुल। अब होगा ये कि सिंपल जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस कंपनी को यहाँ पे ये इसका पूरा ठेका दिया जा रहा है, वो हम गिन लेंगे $250 फी घर। कोई कॉस्ट इसके ऊपर नहीं है, सब उनकी अपनी कॉस्ट है जो कंपनी खुद करेगी। अच्छा, अगर $1,000 इकट्ठे होंगे तो इसका मतलब है 4 शेल्टर बन गए। और ये कंपनी जो है पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी पिंडी बेस्ड कंपनी है। आहा। अब अगर $10,000 इकट्ठे हो गए तो इसका मतलब है कि 40 घर बन गए। $250 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ घर जितने बनते हैं, सही ये होंगे। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी तो ऐसे है। ओके। सब अपना अपने वसाइल खुद लगा रहे हैं, वॉलंटियर्स इंक्लूडिंग मैं, इंक्लूडिंग आप, इंक्लूडिंग सलमान इकबाल का चैनल जो कि ये एयर टाइम दे रहा है, बिल्कुल ये सब इसमें हिस्सा डाल बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर $1,00,000 इकट्ठे होंगे तो उसको डिवाइड कर दो $250 से, इतने शेल्टर बन गए। तो ट्रांसपेरेंसी तो इसकी वाजे होगी। हम पाकिस्तान में कोई पैसे इस वक्त नहीं मांग रहे। अच्छा, जब ये चीज चल पड़ेगी और जब लोगों को नजर आना शुरू होगा, और इसका आगाज डेरा इस्माइल खान से हो रहा है। अच्छा। क्योंकि जहाँ से पानी उतर गया वहाँ से ये हम शुरू करने लगे हैं इसको। सही। तो ये है हालात। ये तो फाकर बहुत अच्छा आइडिया भी है, बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि हम लोग सब यही डिस्कशन कर रहे थे कि अभी सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर क्या होगा, ये टेंट्स तो काबू नहीं करेंगे उस सर्दियों अब को। दूसरी बात, यही ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अब ये एक तरफ तो ये काम शुरू कर रही हैं, बाकी कंबल बिस्तर और चीजें अब सिंध की तरफ फोकस उनका है। हाँ। यहाँ पे अब ये एक तरफ तो टेंट के लिए पैसे, ये शेल्टर के लिए पैसे जमा हो रहे हैं, दूसरी तरफ अब ये जो सप्लायर्स हैं, स्पेशली मौसम अब आ रहा है सख्त मौसम, उसके लिए कंबल वगैरह ये सब सिंध की तरफ अब डाइवर्ट होगा। तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट ही नहीं कर रहे, बल्कि जो प्लेजेस मिले हैं वो जो नॉन पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं वहाँ पे वो, और जो मेन स्ट्रीम अमेरिकन हैं वो लोग भी इसमें प्लेज कर चुके हैं। तो उम्मीद यही है कि पैसे वहाँ पे बहुत इकट्ठे होंगे, जो कि सीधा रोटरी क्लब जमा करेगा और रोटरी क्लब ही खर्चा करेगा, रोटरी क्लब ही अपने बैंकिंग चैनल के थ्रू यहाँ पे पैसे भेजेगा उस कंपनी को, और जो कंपनी आगे से जितने शेल्टर लगाएगी उनको उनके नुमाइंदे चेक करेंगे, और चेक करके $250 फी घर दे के। तो ये है। अच्छा, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट वो भी कर रहे हैं वो, और मुस्लिम सोसाइटी। जी बिल्कुल, न्यूयॉर्क पुलिस के अंदर मुस्लिम भी बहुत हैं। हाँ। तो उनकी भी एक सोसाइटी है, वो लोग भी इसके अंदर हिस्सा डाल, कंबल वगैरह सब सारी चीजें सब कुछ वो कर रहे हैं। तो हाँ। ये फिर ये बात है। और ARY पे आने का मकसद क्या है? क्या, क्योंकि ARY को हमारी एक्सपर्ट कम्युनिटी सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है। ओके ओके। तो इसलिए ARY के थ्रू हाँ। हम आपका व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं टू रीच आउट टू मोर एंड मोर पाकिस्तानीज जो यहाँ अमेरिका में भी देख रहे हैं ना लोग। एब्सोल्युटली। उनको आप प्लीज वो बताएं जगह जहाँ सब जमा हो सकते हैं, डेट बताएं कि किधर आके वो अपने अपनी तरफ से जो भी हेल्प है वो कर सकते हैं। ये डिनर है जिसमें हाँ सेनेटर टॉम स्वाजी, सेनेटर नहीं सॉरी कांग्रेसमैन टॉम स्वाजी, यानी वहाँ की पार्लियामेंट, एक कांग्रेस होती है और एक सेनेट होती है। तो वहाँ के कांग्रेसमैन है टॉम स्वाजी, जो कि शीला जैक्सन और कांग्रेसमैन एल ग्रीन के साथ अभी 10 दिन पहले पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करके गए हैं। अच्छा। तो हमारे इस इवेंट के अंदर कांग्रेसमैन जो कि डेमोक्रेट हैं, डेमोक्रेट हुकूमत है इस वक्त बाइडेन की, टॉम स्वाजी आएंगे और मेरे साथ मिलकर ये फंड रेजिंग करेंगे। ये फार्मिंगडेल न्यूयॉर्क में रॉयल पाम बैंक्वेट हॉल है। अच्छा। जहाँ पे 25 सितंबर जो कि संडे है हाँ। उस शाम 7 बजे ये होगा रॉयल पाम बैंक्वेट हॉल फार्मिंगडेल न्यूयॉर्क में, जहाँ पे कांग्रेसमैन टॉम स्वाजी आएंगे और वहाँ पे ये कार्य खैर में हिस्सा डालेंगे। और वो चूँकि देख के गए हैं ये, इसलिए वो बहुत मुतासर हैं। हाँ। अब देखें, पैसे इकट्ठे करना एक बात है, हम तो चलो कितने लाख या मिलियन इकट्ठे कर लेंगे, मेन बात ये है कि ताकत का मरकज है अमरीका, और अमेरिका का ताकत का मरकज है वहाँ की पार्लियामेंट। जब वहाँ के पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ देंगे तो मेन स्ट्रीम अमेरिका और वहाँ के थिंक टैंक्स और वहाँ के रियासती इदारे जो हैं उनको भी, उनके भी कानों में ये सुनी जाएगी कि पाकिस्तान कितने मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। एग्जैक्टली। तो इसलिए उसको उजागर करने के लिए वहाँ के जो कॉकस हैं, पाकिस्तानी कॉकस जो हैं वहाँ की पार्लियामेंट के और कांग्रेस के, हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं और उनको हम
दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो इसमें पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंटरनेशनल लोग भी जो अमेरिका में रहते हैं वो भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं। और जब तक वो लोग नहीं बोलेंगे वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियन है तब तक उस बात की अहमियत इतनी बनती नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम करें फाखर, एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें मौका दिया, इस प्लेटफॉर्म को यूज किया। यार भाई की बहुत आवाज जो है दूर तक पहुंचती है, एंड मैं शुक्रिया करूंगा सलमान इकबाल का जिन्होंने चंद घंटों के नोटिस के ऊपर ये मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। सो बेस्ट ऑफ लक आपके काम में, कहीं और हमारी जरूरत महसूस हो तो हम हाजिर हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक कि आप मैं कहती हूँ कि सारे घर ही आप लोग बना पाए, इतना फंड इकट्ठा हो, अल्लाह करे कि हजारों लाखों ये बने, जितना इकट्ठा होगा इंशाल्लाह उसका ये सब बनेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू निदा। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, हम ब्रेक पे जा रहे हैं यानी ओके खत्म हो रहा है, मतलब कोई बात नहीं लाइव में हो सकता है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है वो जो फ्यूल आपको सुबह का चाहिए होता है उसका हिस्सा मैंने दे दिया है, अब बाकी गाड़ी चलाना पूरे दिन की आपका काम है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।